ईशान ये सब पढ़कर बहुत हैरान हो रहा था, क्योंकि उसे लगता है वहां रहकर उसे इतना कुछ नहीं पता जितना किंग सम्राट, आदित्य द गेम बॉय और बाकी लोगों को पता होता है। सारे उत्तराधिकारी सिटी नंबर 18 में मिलने वाले हैं। ये बात ईशान को हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ईशान को जो पता था उसके हिसाब से तो गौतम परिवार के उत्तराधिकारी के दावेदार आसानी से किसी गेट टुगेदर में नहीं जाते हैं। अजीत ने ईशान को बताया था कि सारे परिवारों का गेट टुगेदर तब भी हुआ था जब नियम बने थे। वो आखिरी बार था जब सब परिवार एक साथ एक छत के नीचे बैठे थे। हालांकि ये खबर ईशान के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, आखिरकार वो भी उत्तराधिकारी की जंग का एक योद्धा था। ईशान मनन की तरफ देखकर बोला, ये ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन पाने के लिए काफी यूजफुल रहा है, इसे ज्वाइन करने का तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही रहा। टेक टू नाम से बनी आईडी पर ईशान की बहुत देर से नजर थी। वो आईडी वाला जो भी था वो उत्तराधिकारी की जंग से ज्यादा गौतम परिवार में इंटरेस्ट ले रहा था। तभी उसका मैसेज आया, उत्तराधिकारी के सारे कैंडिडेट सिटी 18 में इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं वो अजीत के बारे में तो नहीं बात करने आने वाले हैं, बताइए अगर किसी को पता है तो। एक दूसरी आईडी से ये मैसेज आया, किंग सम्राट ने कहा, जेल नंबर 18 सिटी नंबर 18 की एक अहम प्रॉपर्टी थी। उस जेल को बहुत लंबा समय हो चुका था और अब जब वो जेल नहीं रही तो वैसे भी सभी के दिल में खलबली मची हुई है, और जब उसमें अजीत और एक उत्तराधिकारी के मारे जाने की खबरें सामने आ रही है तो क्यों नहीं उत्तराधिकारी शहर 18 में जाएंगे। ये सब वो अपनी सेफ्टी के लिए सोच रहे हैं। शेखावत परिवार और गौतम परिवार आमने सामने आने वाले हैं। अब तो हमें सिर्फ शो का इंतजार करना चाहिए। तभी टेक टू आईडी से मैसेज आया, पर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना है कि गौतम परिवार ने सीक्रेटली शेखावत परिवार के लोगों को हायर किया है। किंग सम्राट ने मैसेज किया, हाँ ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, हम भी यही मान लेते हैं। वैसे हम सब इन लोगों के एक नाखून के बराबर भी नहीं है, ये खेल हमारी सोच से परे है। ये पढ़कर ईशान को भी लगा किंग सम्राट सही कह रहा है। मनन के फोन से ईशान ने मैसेज किया, मैंने सुना है कि जेल में शक्तिपुंज था, तो उसका क्या हुआ, क्या वो किसी को मिल गया। लिटिल डक नाम से जैसे ही मैसेज आया सभी हैरान हो गए, क्योंकि ये जब भी मैसेज करता है तो कोई इंपॉर्टेंट बात ही पूछता है। इसका मतलब सबको समझ आ रहा था, पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। किंग सम्राट ने मैसेज का जवाब दिया, सुना तो है कि शक्तिपुंज मिल गया है, पर वो शक्तिपुंज किसे मिला ये अभी कोई नहीं जानता है। शक्तिपुंज का नाम आते ही ग्रुप पर फिर से चर्चाएं होने लगी। ईशान समझ गया कि उसे इस बारे में ग्रुप पर बात नहीं करनी चाहिए। फिर उसने कुछ देर चैट पढ़ी और फिर मोबाइल बंद करके रख दिया। फिर मनन से बहुत देर मशीनी दुनिया की बातें डिस्कस की। दुनिया अब और रहस्यमय हो रही थी। ईशान अजीत के बिना अब खुद को बेसहारा महसूस कर रहा था, पर उसे उम्मीद थी कि अजीत एक ना एक दिन उसके पास जरूर आ जाएगा। मनन की आंखें नींद से भरी थी। उसने कहा, भाई 2 दिन बाद हमें वापस जाना है और मैं बहुत थक चुका हूं, क्या हम सो सकते हैं। ईशान के घर के दीवार पर टंगी हुई घड़ी में 2 बज चुके थे। ईशान ने कहा, बिल्कुल सो जाते हैं, हमें एनर्जी की बहुत जरूरत है। ईशान सोफे पर सो जाता है, मनन बेड पर सो रहा था। ईशान बार बार करवट बदले जा रहा था और जो सब हुआ उसे सोचे जा रहा था। मैं जानता हूं मास्टर की हर बात में कुछ छुपा होता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कर्जा कैसे चुकाऊंगा और ये कर्जा चुकाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ग्रुप चैट पर सबके मैसेजेस पढ़कर ईशान खुद को बहुत लकी समझ रहा था, क्योंकि जिस दुनिया में उन ट्रैवलर्स के पास कुछ नहीं है उस दुनिया में ईशान के पास घर, उड़ने वाली गाड़ी, शक्तिपुंज है। जहां उस दुनिया में जाकर लोग जीने के सहारे ढूंढ रहे हैं, उस दुनिया में इस ईशान की गृहस्थी बसने लगी है। ईशान सभी बातों में खोया हुआ था। तभी उसे अक्षय सिंह की याद आई। ईशान ने अपना कम्युनिकेटर निकाला और उससे अक्षय सिंह को मैसेज किया, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, अपडेट करो। रात के 2 बजे अक्षय सिंह ने कम्युनिकेटर देखा तो ईशान का मैसेज था। अक्षय सिंह ने रिप्लाई किया, हेलो बॉस, मैं आपके ही मैसेज का इंतजार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आप शायद सो रहे होंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी तक आपको मैसेज नहीं किया। ईशान ने मैसेज का रिप्लाई किया, नो प्रॉब्लम। अक्षय सिंह ने आगे मैसेज किया,
मैं अब जेल नंबर 10 में हूँ और बॉस आप यकीन नहीं करोगे, ये जेल नंबर 10 जेल नंबर 18 से बहुत अच्छी है। यहाँ का एनवायरनमेंट वहां से बहुत ही अच्छा है। यहाँ ना सिर्फ ओपन प्लेग्राउंड है बल्कि एक गार्डन भी है और यहाँ के लोग काफी नरम दिल है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की लगी वो ये है कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जेल नंबर 18 में तो कितने खूंखार कैदी हुआ करते थे, यहाँ उतने खतरनाक मुजरिम नहीं है। ये जेल सिटी नंबर 10 में है और ये पॉलिटिकल बेस्ड जेल है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके कहने पर मुझे इस जेल में भेज दिया गया। थैंक यू बॉस, ईशान ने ये सब पढ़कर मैसेज किया। मैं जानता हूँ जेल नंबर 10 काफी आरामदायक है, पर याद रखना अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताना। तुम में क्या करने की काबिलियत है ये तुम्हें किसी को नहीं बताना है। अपनी शक्तियों पर काबू रखना क्योंकि अभी तक तुमने ट्रेनिंग नहीं ली है, इस वजह से वो शक्तियां हो सकता है कि तुम खुद भी काबू ना कर पाओ। इसलिए कोशिश करना उन्हें ना जगाओ जब तक कि कोई तुम्हारे पास तुम्हारा विश्वास लायक इंसान ना हो। हाँ बॉस, आप चिंता मत करिए, मैं खुद पर काबू रखूंगा। मुझे बॉस विनीत और रौनित ने सब बता दिया था, अक्षय ने मैसेज किया। ईशान ने मैसेज किया, तुम मुझे सारी अपडेट देते रहना और सावधान रहना। ओके बॉस, मैं यहाँ की और उधर जेल की सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहूंगा, अक्षय सिंह ने कहा। अक्षय से बात करने के बाद भी ईशान को अब भी चैन नहीं आ रहा था। जो मशीनी दुनिया में घटा उसे ईशान के लिए भूल पाना बहुत मुश्किल था। उसका मन कर रहा था वो किसी से बात करे, पर अब उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। मनन भी गहरी नींद में सो चुका था। तभी ईशान को सोनिया की याद आई। ईशान धीरे से दरवाजा खोलकर सामने सोनिया के घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि सोनिया घर पर ताला भी नहीं लगा कर गई। वो इतनी जल्दी में भाग गई तो ईशान ने सोचा कि क्यों ना अंदर जाकर उसके घर को संभाल लूं। ईशान ने दरवाजा खोला और कमरे में गया तो उसे देखकर लगा जैसे वहां कोई रहता ही नहीं था। हालांकि उसे उस कमरे में कोई अलग एनर्जी महसूस हो रही थी, पर वहां कोई भी नहीं था। ईशान पलटकर जाने लगा और तभी उसकी नजर एक मेज पर रखी एक किताब पर गई। उस किताब पर एक लेटर और पेन रखा था। ईशान ने कागज उठाया और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, ये तुम्हारे लिए। नीचे लिखा था, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, अपनी प्रैक्टिस करते रहना। याद रखना, प्रैक्टिस छोड़ दी तो तुम्हारी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी, अपना ख्याल रखना। ईशान ये पढ़कर हैरान था क्योंकि उसे समझ आया कि सोनिया को पता था कि मैं उसके कमरे में आऊंगा, इसीलिए उसने मेरे लिए ये लेटर लिख छोड़ा था। ईशान लेटर लेकर अपने घर चला गया और जाकर बिस्तर पर सो गया। उसे तो आज रात नींद नहीं आने वाली थी, पर फिर भी उसने कोशिश की। सुबह 7 बजे उज्जैन के बाहर बने एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है और उसमें से उतरता है दिलीप सिंह। गेट खुलते ही दिलीप सिंह धीरे धीरे चलकर बाहर आता है और अपना सूट ठीक करते हुए गहरी सांस लेता है। बाहर उसके लिए एक छोटी टैक्सी खड़ी होती है जिसे देखकर वो मुंह बनाता है और सामने खड़े रोहित से कहता है, टीआईबी वालों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब चल रही है, कम से कम टैक्सी तो अच्छी भिजवा सकते थे। रोहित ने मुंह नीचे कर लिया और दिलीप सिंह के साथ जितेश राव के यहां पहुंच गया। दिलीप सिंह जितेश राव को ग्रुप चैट पर हुई सभी बातें बताता है, जिसे सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम इतने श्योर कैसे हो? तभी दिलीप ने कहा, मैंने पूरी चैट पढ़ी है, उसमें जिन जिन आईडी पर मुझे शक है मैंने उन पर पर्सनल ट्रैकिंग भी शुरू कर दी है, पर अब वक्त आ गया है कि सारे ग्रुप्स को मर्ज कर दिया जाए। तभी जितेश राव कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे हिसाब से हमें ग्रुप्स को अलग अलग रहने देना चाहिए ताकि उन्हें संभालने में आसानी हो। तभी दिलीप कहता है, आपको अभी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ कुछ खतरनाक होने वाला है, जिसकी बात मैंने ग्रुप पर पढ़ी है पर मैं समझ नहीं पाया। दरअसल ईशान को पता भी नहीं था कि ये ग्रुप टीआईबी और सीडीसी का बनवाया हुआ है। उनकी पूरी नजर इस ग्रुप पर सभी आइडिया पर है। ईशान ने शक्तिपुंज और खूनी खत की बात इस ग्रुप पर कर दी थी, जिसके लिए दिलीप सिंह की नजरों में उसकी आईडी स्पेशल बन चुकी थी। अब वो सबको पर्सनली ट्रैक कर रहा था। दिलीप और जितेश राव बात कर रहे थे तभी वहां अविनाश अवस्थी अपने साथियों के साथ आ पहुंचता है।
अविनाश अवस्थी ने ऑफिस में आकर सबको हेलो कहा और फिर से कहा, शक्तिपुंज चोरी होने की तेजी से खबरें फैल रही है, हमें हमारे काम की स्पीड को तेज करना होगा। तभी दिलीप सिंह ने अपनी जेब से कुछ फोटोज निकाली और जितेश राव की तरफ खिसका दी और कहा, यह 7 दिन पहले की फोटो है। पिक्चर्स में हमें दिखा कि एक टाइम वॉकर को एक चुड़ैल जैसी औरत ने मार दिया है। यह सुनकर जितेश राव हैरान हो गया और कुछ पूछने वाला था। इससे पहले ही जितेश राव कुछ कहता, दिलीप सिंह ने कहा, इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस औरत के मरने के बाद उस डेड बॉडी के आसपास पेड़ पौधे उग गए और उन पर फूल खिलने लगे। जितेश राव अब जबरदस्त चौंक गया था क्योंकि उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। अविनाश अवस्थी ने कहा, अभी ऐसी ढेरों हैरानियां हमें सुनने और देखने को मिलने वाली है। यह मशीनी दुनिया और हमारी दुनिया की जंग चालू होने वाली है। तभी दिलीप सिंह ने कहा, कई साल पहले जब कासिम परिवार और शेखावत परिवार में एक छोटा युद्ध हुआ था, तब शक्तिपुंज की मदद से युद्ध भूमि में उन्होंने ऐसे ही एक शक्ति का इस्तेमाल करके अचानक से वहां फसल उगा दी थी, जिसकी वजह से दुश्मन एक दूसरे को देख नहीं पाए थे। अविनाश अवस्थी ने कहा, ये जंग अब बड़ी होने वाली है, अब हमें साथ मिलकर काम करना होगा। क्या आप यहीं रुक सकते हैं? दिलीप सिंह ने हां में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि जब तक उत्तराधिकारी की जंग का दूसरा राउंड शुरू होता है, मैं यही रुकूंगा। हमारा कर्तव्य है कि हम शहरवासियों और टाइम ट्रैवलर्स की हेल्प करें। जितेश राव मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, आप यहां रुकिए, अभी आप हमारे साथ ही खाना खाकर जाना। दिलीप सिंह खड़ा हुआ और बोला, नहीं, अभी मुझे कुछ और काम है। मुझे और टाइम ट्रैवलर्स को ढूंढना होगा। अगर कोई CDC ज्वाइन करना चाहेगा तो मुझे उसे जोड़ना होगा। अविनाश अवस्थी ने पूछा, क्या ईशान के बारे में आपको कुछ पता लगा? दिलीप सिंह ने कहा, जल्दी पता लग जाएगा। चलो अभी मैं निकलता हूं, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। ईशान और मनन स्कूल से बाहर आ रहे थे। दोनों बाहर खाना खाने की प्लानिंग कर रहे थे। ईशान ने मनन से कहा, क्या तुमने आज 2 नई लड़कियों को नोटिस किया? क्या वो टाइम ट्रैवलर है? मनन गुप्ता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो टाइम ट्रैवलर है। ईशान ने कहा, लोग आजकल सिर्फ फेमस होने के लिए हमारे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इस चीज में कितना खतरा है। अक्षय सिंह के साथ जो हुआ वो देख लेते तो उसकी रूह कांप जाती। इतने में ही ईशान की नजर सामने रोड के उस तरफ पड़ती है, जहां काले कोट में हाथ डाले एक आदमी खड़ा था। ईशान और मनन उसे देखकर बेहद हैरान हो जाते हैं। आखिर कौन है वो आदमी, जिसे देखकर ईशान के चेहरे का रंग उड़ गया? आखिर शक्तिपुंज चोरी कैसे हो सकता है? क्या मशीनी दुनिया में और असली दुनिया में युद्ध होने वाला है? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। मनन ने ईशान से कहा, क्या सामने खड़े इंसान को तुम जानते हो? ईशान ने गौर से देखते हुए कहा, मैं इसे जानता तो नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। मनन ने कहा, जिस तरह से वो हमें देख रहा है, वो हमें किडनैप तो नहीं करने आया है? ईशान ने अपनी आंखें बंद की और याद करने की कोशिश की। तभी उसने कहा, इसे शायद मैंने बॉक्सिंग जिम में देखा है। मनन ने कहा, मुझे नहीं लगता ये टाइम ट्रैवलर है। ईशान ने मनन से चिढ़कर कहा, तुम्हें तो कभी कोई भी टाइम ट्रैवलर नहीं लगता है। चलो अब यहां से। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो आदमी उन दोनों के पास आता है और सामने आगे खड़ा हो जाता है। ईशान कहता है, हमारे रास्ते से हट जाओ। तभी सामने वाला आदमी कहता है, हाय, मेरा नाम दिलीप सिंह है। दिलीप सिंह का नाम सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। ईशान को शक हो रहा था कि यह जरूर कोई खुफिया एजेंसी का एजेंट है। तभी दिलीप ने मनन की तरफ देखा और कहा, हेलो लिटिल डक। और ईशान की तरफ मुड़कर कहा, हेलो मिस्टर कपिल। ये सुनकर मनन के चेहरे का रंग बदल गया। उसे डर लगने लगा कि ये तो एक प्राइवेट ग्रुप चैट थी, इसके बारे में इस आदमी को कैसे पता लगा? वहीं ईशान ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। इस नाम के बारे में तो आदित्य सिंह को पता था, यानी वो ग्रुप इन लोगों का है। ईशान मन ही मन सोच रहा था, वो समझ गया था कि ये TIB या CDC का सदस्य है। ईशान को शक हुआ कि कहीं यही आदित्य द गेम बॉय तो नहीं है, पर ईशान को उसकी आवाज अलग लग रही थी। हालांकि आवाज तो एक्सचेंजर से भी चेंज की जा सकती थी,
पर फिर भी ईशान को लग रहा था कि इसका बोलने का तरीका लहजा अलग है, यानी ये आदित्य गेम बॉय नहीं हो सकता है। ईशान ये सब दिमाग में सोच रहा था, वही मनन ब्लैंक दिमाग से खड़ा दिलीप सिंह को देखे जा रहा था। उसे देखकर साफ कह सकते थे कि वो भयंकर डरा हुआ है। तभी दिलीप सिंह ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें यह कहने आया हूं कि तुम दोनों बेस्ट टाइम ट्रैवलर हो। ईशान को देखकर दिलीप सिंह ने कहा, मैंने तुम्हें रिंग में देखा था, तुम बहुत अच्छे फाइटर हो, तुमने टाइगर वेट के आदमी को भी रुला दिया, तुम सच में बहुत अच्छा लड़े। मैं जानता हूं कि तुम दोनों टाइम ट्रैवलर हो, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे टाइम ट्रैवलर हो, तो मैं तुम्हें एक डील ऑफर करने आया हूं, क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? ईशान ये सोच ही रहा था कि आखिर किस टीम को ज्वाइन करने की बात कर रहा है, तभी उसकी नजर पीछे खड़े अविनाश अवस्थी पर गई और ईशान को समझ आ गया कि ये TIB की टीम ज्वाइन करने की बात कर रहा है। मनन ने कहा, नहीं, हमें आपकी टीम ज्वाइन नहीं करनी है, हम अपनी पढ़ाई और अपनी लाइफ में खुश है। ईशान ने मनन को देखा और फिर अविनाश अवस्थी और दिलीप सिंह को देखा। मनन ने ईशान का हाथ दबाया और उसे इशारों इशारों में वहां से चलने के लिए कहा। अविनाश अवस्थी खुश होता हुआ जितेश राव की तरफ बढ़ता गया। जितेश राव जो कि अपने बड़े सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था, अविनाश अवस्थी ने कहा, बॉस एक गुड न्यूज है, ईशान ने हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हां कर दिया है। उसके कहने पर मनन उसके दोस्त ने भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहा, पर हमने उसे अभी होल्ड पर रखा है। जितेश राव ने कहा, देखो तुम सिर्फ सोच की बुनियाद पर उस लड़के पर इतना भरोसा कर रहे हो, अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अविनाश अवस्थी ने कहा, हाँ बॉस आप सही कह रहे हैं, अभी हमें ये नहीं पता है कि वो एक्चुअल में कौन है, पर हम ये जानते हैं कि उसमें कुछ तो अलग बात है। अगर वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करेगा तो इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जितेश राव ने कहा, उसने TIB ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दिया है और साथ ही साथ वो CDC भी ज्वाइन कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अगर आगे उसे कोई और टीम ज्वाइन करने का ऑफर देगी तो क्या वो हर टीम ज्वाइन कर लेगा? अविनाश अवस्थी हैरान होते हुए सोचता है और फिर कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि TIB और CDC दोनों का काम है तो एक ही, इसलिए शायद ईशान ने हाँ कर दिया होगा और हम दोनों साथ ही उसके पास ये ऑफर लेकर गए थे, तो इसलिए वो हम में से एक को मना नहीं कर पाया। तभी अविनाश अवस्थी का फोन बजता है। अविनाश अवस्थी फोन निकालकर मैसेज चेक करता है और उसके हाव भाव बदल जाते हैं। ये देखकर जितेश राव पूछता है, क्या सब ठीक है? तभी अविनाश अवस्थी बहुत मायूसी भरी आवाज में कहता है, ईशान ने अपना सैलरी कार्ड नंबर भेजा है। जितेश राव चाय का कप रख देता है और सोचने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है, क्या स्मार्ट लड़का है, एक तीर से दो निशाने, सैलरी की बात करके उसने ये साबित कर दिया है कि वो ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करना चाहता है, कि उसने हमें सीधे सीधे मना नहीं किया, वो जानता है कि हम उसे सैलरी नहीं देंगे तो उसे ज्वाइन भी नहीं करना पड़ेगा। अविनाश अवस्थी कुछ सोचते हुए बोलता है, और अगर उसने ऐसा दिमाग लगाया है तो CDC उसे सैलरी दे देंगी और हम उसे सैलरी नहीं दे पा रहे तो वो CDC की टीम ज्वाइन करेगा, जबकि उसने दोनों को हां करके दोनों का मन रख लिया था। ये लड़का कितना चालाक है, ये किसी भी टीम के कंट्रोल में आकर काम नहीं करना चाहता है, इससे तो यही साबित हो रहा है। अविनाश अवस्थी ने फिर कहा, सर मैं जानता हूं अभी TIB की हालत खराब है, हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम उसे सैलरी दे सके, पर अगर हमने उसे सैलरी पर नहीं रखा तो CDC उसे अपने टीम में मिला लेगी और उनकी ताकत बढ़ जाएगी, फिर हम अपने शहर में अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारा काम फिर CDC का होगा जो कि हमारे लिए अपमानजनक रहेगा, क्या हम उसे जॉब पर रख सकते हैं? जितेश राव ने अविनाश को देखते हुए कहा, मैं ये परमिशन बिल्कुल नहीं देता, अगर मुझसे कोई और पूछ रहा होता, पर बात तुम्हारी है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, पर याद रहे अगर हम उसे सैलरी दे रहे हैं तो उससे काम भी हमें पूरा निकलवाना रहेगा। अविनाश अवस्थी खुश होते हुए कहता है, आप देखिए कैसे मैं उसे अपनी टीम में शामिल करके CDC से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाता हूं। जितेश राव ने कहा, CDC हमारा दुश्मन नहीं है, पर हां
ये बात सच है कि हम उनसे बेहतर अपना काम करना चाहते हैं, और जब ये शहर हमारा है तो हमें यहाँ पर अपना काम अच्छे से दिखाना ही होगा। ईशान और मनन स्कूल के बाहर ही चाट चौपाटी पर बैठे हुए हैं। ईशान अपने फोन में कुछ कर रहा था, तभी मनन उससे देखकर बोला, पहले तो तुमने उनकी टीम ज्वाइन करने की बात करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, और अब तुम खाने को छोड़कर फोन में लगे हुए हो, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ईशान ने मनन की तरफ देखा और कहा, मैं उन्हें अपना सैलरी कार्ड नंबर भेज रहा हूँ, और मैंने उन्हें पूछा है कि वो मुझे कितनी सैलरी देंगे। हालांकि अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है, पर मैं चेक कर रहा हूँ कि वो कब मैसेज करेंगे। सैलरी की बात सुनकर मनन ईशान को भी घूरता है और कहता है, तुम उनसे सैलरी लेने वाले हो, और तुमने एक साथ दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए हाँ क्यों कर दिया? ईशान ने कहा, इस दुनिया में कोई भी काम मुफ्त में नहीं होता है, और हम तो जान पे खेल के ये काम कर रहे हैं, तो इसकी कीमत तो अच्छी होनी ही चाहिए। और तुम्हें मैं क्या बताऊं कि इस वक्त मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। दूसरी बात ये कि CDC और TIB हाथ धोकर टाइम ट्रैवलर्स के पीछे पड़ी है, और वो बहुत वक्त से मेरे पीछे पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है कि वो ब्लड सैंपल वाला कैंप हम स्टूडेंट्स की भलाई के लिए था? नहीं, वो मेरे लिए करवाया गया था। वो मेरा DNA सैंपल चेक करवाना चाहते थे, हालांकि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, पर वो ये ऑफर मेरे पास इसलिए लेकर आए क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कुछ खास हूँ। उन्हें ये नहीं पता होगा कि मैं उत्तराधिकारी जंग का एक मेंबर हूँ, पर वो ये जरूर जानते हैं कि मैं उस दुनिया में एक खास जगह रहता हूँ और अजीत का खास आदमी हूँ। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन आज नहीं तो कल सच का पता लगा ही लेगी। तो जब ये मेरे बारे में सब जानने की कोशिश कर रही है, तो क्यों ना मैं ओपनली ही इनको अपने बारे में सब बता दूं? ये सुनकर मनन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने कहा, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ईशान ने मनन को रिलैक्स करते हुए कहा, नहीं तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें उतना ही सच बताऊंगा जितना उन्हें पता नहीं होना चाहिए। तुम ये सोच कर देखो कि अगर हम किसी टीम को ज्वाइन करके हमारी ताकत को बढ़ाते हैं, तो कैसे हम टाइम ब्रोकर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जो कि पहली नेशनल टाइम ब्रोकर्स की टीम होगी। तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है? मनन अभी भी उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहा था, तभी ईशान ने कहा, मैं जानता हूं वो लोग एक मकसद के साथ मेरे पास आए हैं। वो अभी एक बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे उसकी हकीकत पता है। वो मुझे यूज करना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मैं उन्हें यूज करने वाला हूँ। ये सुनकर मनन खुश होने लगा और बोला, यार तुम क्या करते हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, पर मुझे यकीन है तुम जो करोगे सही करोगे। ग्रुप चैट के थ्रू ईशान को पता लगा कि उत्तराधिकारी की सेकेंड वॉर शुरू होने वाली है, जिसके लिए सब बहुत वेट कर रहे हैं। ईशान मशीनी दुनिया में जाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड था कि जैसे ही काउंटडाउन खत्म होगा तो वो उस दुनिया में जाकर देखेगा कि आखिर क्या होने वाला है। आखिर हर कोई सिटी नंबर 18 में जाना चाहता था, पर ईशान के मन में अजीत की ये बातें गूंज रही थी। वो सिर्फ वहां जाकर अजीत को ढूंढना चाहता था। उस दुनिया में जाने में अब सिर्फ 12 घंटे बचे थे। ईशान और मनन अपने कमरे में बैठे हुए अभी भी चैट ग्रुप पर बातें पढ़ रहे थे, तभी चैट ग्रुप पर एक मैसेज आया। वो आदित्य द गेम बॉय का था, उत्तराधिकारी वॉर शुरू होने वाली है, जो कि बहुत मुश्किल और डेंजरस होगी। प्लीज ध्यान रखें, जिन्होंने भी किसी टीम को ज्वाइन किया है वो एक बार फिर अपने फैसले पर सोच ले, क्योंकि इसमें मौत का खतरा है। मैं चाहूंगा कि हमारे सारे टाइम वॉकर्स सुरक्षित रहे, इसीलिए प्लीज अपना ध्यान रखें। इस मैसेज के साथ ही फिर से मैसेज की धूम मचने लगी। तभी ईशान और मनन बात करने लगे कि आखिर उत्तराधिकारी की जंग में होने क्या वाला है और ऐसी कितनी जंग अभी बाकी है। तभी मनन ने कहा, ईशान तुम ये सब कर रहे हो, पर क्या तुम्हें क्लीनअप प्लान के बारे में पता है? जहां उत्तराधिकार की जंग चल रही है, वहीं टाइम वॉकर्स को वहां से हटाकर मारने की भी एक जंग चालू है। डेटा चोरी हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। ईशान का ध्यान इस तरफ तो रहा ही नहीं, जब 18 नंबर शहर में जो हुआ वो अभी उससे उबर नहीं पा रहा था। तभी ईशान को ख्याल आया कि निराली भी शेखावत परिवार में है। तभी उसने मनन से कहा, मनन तुम मेरा एक काम करोगे कि तुम निराली का ख्याल रखोगे? जब तक मैं कुछ और इंतजाम नहीं कर लेता, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ।
वैसे तो शीला एक अच्छी लड़की है, पर फिर भी मुझे निराली की बहुत चिंता रहती है। मनन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं निराली का पूरा ख्याल रखूंगा, और जब तक कि तुम कुछ कर नहीं लेते हो, मैं भी शीला के साथ शांति से रहने वाला हूं। हमें मिलकर कुछ उपाय करने होंगे, तुम चिंता मत करो। क्या ईशान ग्रुप ज्वाइन करके फंस जाएगा? क्या अविनाश अवस्थी और दिलीप सिंह कोई खेल खेल रहे हैं? क्या उत्तराधिकार की दूसरी जंग में ईशान भाग लेगा? बिना अजीत के इस बार ईशान का क्या होगा? क्या ईशान मर जाएगा? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। काउंटडाउन 000। अब ईशान मशीनी दुनिया में पहुंच चुका था। अगला काउंटडाउन 168 आवर्स शुरू हो चुका है। सभी टाइम ट्रैवलर्स दूसरी दुनिया में आ पहुंचे। ईशान खुद को जिम के उस कोने में पाता है जहां वो फैंस से भाग कर गया था। बहुत सारे टाइम वॉकर के साथ ऐसा होता है कि वो जब मशीनी दुनिया में जाते हैं तो वहां जाकर भूल जाते हैं कि वो पहले जब यहां से गए थे तो क्या कर रहे थे। कुछ टाइम ट्रैवलर के साथ ऐसा भी होता है कि जो जैसा छोड़कर गए थे वहां से ही वो वापस शुरू होता है, पर कुछ के साथ ऐसा नहीं होता। वो जो काम कर रहे थे वहां से कहीं और ही होते थे, पर ईशान के साथ ऐसा कुछ नहीं था। ईशान काउंटडाउन के जीरो होने के पहले ही पूरी बातें याद करता था कि वो कहां था और उसके साथ क्या क्या हुआ था, तो वो वहीं पहुंचता था जहां पर उसे पहुंचना होता था, मतलब जहां से उसने छोड़ा होता था। ईशान सिक्योरिटी गार्ड के बीच में था। बाहर उसकी फ्लोटिंग कार उसका इंतजार कर रही थी। गार्ड ने उसे सेफली कार तक पहुंचा दिया। मनन और निराली उसके पास नहीं पहुंच पाए। ईशान जाकर अपनी कार में बैठ गया। एलिना ने कार में बैठते ही कहा, वेलकम सर। ईशान के पास एलिना के अलावा कोई भी नहीं बचा था। हेलो एलिना, कैसी हो? मैं एक एआई सिस्टम हूं, इसीलिए मेरे कोई इमोशंस नहीं है, पर फिर भी मैं ओके हूं। सर, इस बार आप कितने दिन के लिए उस दुनिया में गए थे? ईशान ने जवाब दिया, 2 दिन के लिए। एआई ने जवाब दिया, मैं आपका इंतजार ही कर रही थी। ईशान ने कहा, एक बात बोलूं, मुझे अजीत मास्टर ने बताया था कि उन्होंने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, तो तुम में उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन और मेरी हेल्प के लिए काफी कुछ जानकारी छोड़ी होगी, क्या मैं सही कह रहा हूं? एआई ने जवाब दिया, हां, बॉस ने मेरे अंदर बहुत सारी जानकारियां छुपाई है जो समय समय पर तुम्हें देती रहूंगी। इसी तरीके से उन्हें इस सिस्टम में फिट किया गया है। ईशान ने कहा, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। मुझे मेरे दोस्त अक्षय को जेल से बाहर निकालना है। दरअसल उसे जेल नंबर 18 से जेल नंबर 10 में शिफ्ट किया गया था, पर अब मैं चाहता हूं कि उसकी सजा माफ हो जाए और वो बाहर आ जाए। इसलिए मुझे क्या करना होगा? मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूं? तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं, पर उसके बदले मुझे भी एक हेल्प चाहिए, एलिना ने जवाब दिया। ईशान हैरान हो गया कि एआई को भी हेल्प की जरूरत होती है। ईशान ने कहा, ठीक है, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। तभी एआई ने कहा, अक्षय को जेल से निकाल पाना आसान नहीं है, क्योंकि जिस जेल में वो है वो पॉलिटिकल सेंटर जेल है, जहां पर कैदियों का छूट पाना किसी अप्रोच के थ्रू ही होता है, और अभी हमारे पास कोई अप्रोच नहीं बची है। इसका एक तरीका और है, जिसमें अक्षय सिंह को अपना अपराध कॉन्फेस करना होगा और उसके बाद उसे 3 महीनों तक अच्छा इंसान बन के दिखाना होगा। इससे शायद उसकी सजा माफ हो सकती है या खत्म हो सकती है। ये रास्ते नहीं काम आए तो मेरे पास तीसरा रास्ता भी है, जिससे अक्षय को बाहर लाया जा सकता है, पर वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी। ईशान इस बारे में सोचता है, तभी एआई कहती है, अब आपको मेरे लिए काम करना होगा। तभी ईशान ने कहा, मेरा दूसरा काम अभी बाकी है, मुझे मेरी आइडेंटिटी छुपानी है। मैं अपनी आईडी को पूरे वर्ल्ड नेटवर्क से या तो बदलना चाहता हूं या हाइड करना चाहता हूं, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना होगा, एआई ने कहा। ठीक है, ये काम मैं करने की कोशिश करूंगी। हालांकि आपके दोनों ही काम बेहद मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे यकीन है मैं ये काम कर दूंगी। अब आपको
मेरे लिए एक काम करना होगा। ईशान बोला, ठीक है बताओ क्या चाहती हो। एआई ने जवाब दिया, मैं ऑनलाइन एक दोस्त से बात कर रही थी, अब उसे मुझसे मिलना है। मैं कैसे मिल पाऊंगी, मेरे पास तो बॉडी ही नहीं है, तो मैं चाहती हूं कि मेरी जगह आप उससे मिल ले। यह सुनकर ईशान चौंक गया, क्या मतलब है कि तुम ऑनलाइन किसी से बात कर रही हो? तुमने लास्ट टाइम तो मुझे कहा था कि तुम सोशल मीडिया यूज नहीं करती हो, पर अभी तुम कह रही हो कि तुमने दोस्त बना लिया है। क्या तुम डेट कर रही हो? क्या ये ऑनलाइन डेटिंग है? एलिना जानती थी कि ईशान के ऐसे ही एक्सप्रेशंस होंगे। उसने कहा, नहीं आप कुछ गलत समझ रहे हैं, और जब मैं आपकी मदद कर रही हूं तो आपको मेरी मदद करनी होगी। वैसे भी हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने आपसे कब कहा कि हम डेटिंग कर रहे हैं? मैं एक एआई हूं, ऐसे इमोशन मेरे नहीं है, मैं सिर्फ उससे बात कर रही थी। ईशान ने कहा, मैं तुम्हारे इस घटिया काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैं खुद को तुम्हारे लिए किसी अनजान से मिलने नहीं जाऊंगा। अरे मैं खुद किसी को डेट नहीं कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए किसी को क्यों मिलने जाऊंगा? ये बहुत ही बेकार चीज है, एलिना ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हारा काम करूंगी, क्योंकि अजीत बॉस ने मुझे रखा ही तुम्हारे लिए है, पर अगर तुम मेरी हेल्प कर देते तो अच्छा होता। ईशान ने उससे कहा, तुम खुद के लिए एक बॉडी क्यों नहीं खरीद लेती हो जो बिल्कुल इंसानों जैसी दिखती हो? ये क्या अजीब बात है, मैं क्यों नॉर्मल इंसानों जैसे रहने लगूंगी? मैं एआई सिस्टम की तरह ही रहना चाहती हूं। हालांकि अभी लैब में टेस्टिंग बॉडी रेडी हो चुकी है और एआई सिस्टम को ह्यूमन की तरह ही बनाया जा रहा है, पर फिर भी मैं इंसान बनना पसंद नहीं करूंगी। तुम टाइम ट्रैवलर को यहां के अंदर के बारे में काफी कुछ नहीं पता है, इसीलिए तुम ये सब कभी नहीं समझ सकते। ईशान थोड़ा सरप्राइज हो गया और उसको इंटरेस्ट आने लगा। वो और जानना चाहता था एआई सिस्टम के बारे में। तभी ईशान ने पूछा, जिससे तुम बात कर रही हो वो आदमी है या औरत? मेरा मतलब है, अगर मैं किसी लड़के से मिलूंगा तो ये बड़ा अजीब नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम तो फीमेल हो। एलिना ने जवाब दिया, मैं खुद को फीमेल मानती हूं, पर मैं इंसानों की तरह कोई दिल के रिश्ते नहीं बना रही हूं। मैं सिर्फ दोस्ती के नाते बात कर रही हूं। मुझे लड़कियां पसंद है, इसलिए मैं लड़कियों से ही बात करती हूं। एलिना का जवाब सुनते ही ईशान हैरान हो गया और उसने पूछा, लड़कियां? मतलब तुम कितनी लड़कियों से बात कर रही हो? एलिना ने कहा, मैं बहुत सारे लोगों से चैटिंग कर रही हूं, उनमें से 2-3 लोग मिलने की जिद कर रहे हैं, पर वो लगभग सभी औरतें हैं। ईशान का दिमाग घूम गया। उसने पूछा, क्या तुम पागल हो? तुम एक साथ इतने लोगों से बात कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता भी है वो लोग रियल है या नहीं? कितनी फेक आईडी बनाई जाती है रोज सोशल मीडिया पर, और तुम कैसे अनजान लोगों से बात कर रही हो? इंसान तो इंसान, अब एआई सिस्टम भी धोखा खाने वाले हैं। ईशान ने अपने सर पर हाथ लगा लिया और नीचे देखने लगा। एआई ने कहा, तुम लोग कैसे सोचते हो, हम तो सिर्फ एक सिस्टम है। जैसे मैं तुमसे बात करती हूं, ऐसे ही मैं औरों से बात करती हूं। हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ईशान ने पूछा, मुझे कौन से सिटी में मिलना होगा? तभी एलिना ने कहा, सिटी नंबर 18 में। यह सुनकर ईशान हैरान हो गया और बोला, क्या तुमने सिटी नंबर 18 में ही ऑनलाइन डेटिंग शुरू की है? एलिना ने कहा, नहीं, मैंने जिनसे डेटिंग की थी वो सिटी नंबर 1 और सिटी नंबर 10 में रहते थे। मैंने उन्हें कहा था कि मैं सिटी नंबर 18 में रहती हूं, तो दूरी की वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, पर अब वो लोग मुझसे मिलने सिटी नंबर 18 में आने वाले हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ईशान ने अपने मन में सोचा, आखिर ये क्या बवाल है, अब एआई भी अफेयर चला रही है। पर ईशान को 2 बड़े काम करने थे जिसके लिए उसे एलिना की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने एलिना के काम को करने के लिए हां कह दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं। ये कहकर ईशान गाड़ी से बाहर देखने लगता है और अपनी सोच में डूब जाता है। प्राइवेट रूम से बाहर निकलते हुए शीला ने मनन और निराली से कहा, आज की फाइट बहुत बोरिंग थी, दोनों फाइटर्स में मजा ही नहीं आया।
आजकल तुम्हें ना जाने क्या शौक चढ़ा है, रोज रोज यहाँ लाकर बैठा देते हो। सैटरडे नाइट को हम शहर के क्लब देखेंगे, वहाँ बहुत जबरदस्त माहौल होता है। हालांकि जिम में भी सैटरडे को फाइट भी इंटरेस्टिंग होगी, पर अब शहर की नाइट लाइफ दिखा कर लाऊंगी। ये कहते कहते शीला बाहर निकल रही थी, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ शीला के पास आया और कहा, शीला मैम, आपसे कोई मिलने आया है। शीला ने उसे अंदर लाने का इशारा किया, तभी वहां एक आदमी आता है। उसे देखकर शीला रुक जाती है और वापस सोफे पर जाकर बैठ जाती है। उस आदमी का चेहरा देखकर शीला थोड़ी सीरियस हो जाती है। वो आदमी दिखने में बहुत रॉयल दिख रहा था, उसके बैठने का ढंग भी किसी ऊंचे खानदान का लग रहा था। उस आदमी ने शीला से पूछा, कैसी हैं आप? शीला ने कहा, मैं ठीक हूं। उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं अजीत के लिए आपको बुरा लगा होगा। शीला ने उदास होते हुए कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? सामने वाले आदमी ने बड़े प्यार से कहा, मैं आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं जानता हूं अजीत सर की मौत से आपको बहुत दुख पहुंचा होगा। आप उन्हें बचपन से अपना आइडल मानती थी। आपके लिए ये दुख सहन करना मुश्किल है, पर अब फ्यूचर के लिए सोचने का वक्त है। उत्तराधिकारी की दूसरी जंग चालू होने वाली है। अगर आप मेरे साथ आ जाओ तो मेरी जीत पक्की है। ये सौदा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शीला इस बारे में सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें 7 दिन में जवाब देती हूँ। सामने बैठा आदमी बोला, ठीक है, मैं आपकी तरफ से हाँ का इंतजार करूंगा। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया और शीला खड़े खड़े अजीत के बारे में सोचती रही। शीला को परेशान देखकर मनन ने कहा, मैं नहीं जानता वो कौन था, पर मैं समझ गया हूं वो अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज करना चाहता है। तो आप भी उन्हें यूज कर सकती हो, और अगर आपको नहीं लगता कि आपको उनका साथ नहीं देना है तो उन्हें छोड़कर अकेले आगे बढ़ सकती हो, मैं आपके साथ हूं। मनन की बात सुनकर शीला को अच्छा लगा और उसने लंबी सांस ली और कहा, चलो अभी हम इस बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल हम यहां से चलते हैं। सुबह उठकर ईशान अपनी अलमारी खोलकर कपड़े देख रहा था। उसने देखा कि उसके अलमारी में बहुत सारे नए कपड़े और जूते रखे हैं, जिनमें से अधिकतर स्पोर्ट्स वेयर है। ईशान समझ गया था कि ये अजीत ने उसकी अलमारी में रखवाए होंगे। ईशान कपड़ों को देखकर कंफ्यूज हो रहा था, वो बार बार कपड़े लगाकर देख रहा था। तभी एलिना ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, आप नीचे लेफ्ट वाले तरफ से 3rd नंबर के जूते पहनकर जाइए, ये बहुत अच्छे लगेंगे। ईशान ने हैरान होकर पूछा, क्यों, बाकी जूतों में क्या प्रॉब्लम है, सभी तो अच्छे हैं। एलिना ने कहा, नहीं, वो आपकी कॉस्ट्यूम के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। ईशान ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी पहन लूं। आप ये मत भूलिए कि आप मेरी जगह वहां जा रहे हैं, तो अपना नहीं तो मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल कीजिए, थोड़े अच्छे से तैयार होकर जाइए। ये सुनकर ईशान बहुत हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये AI के लड़कियों से ज्यादा नाटक है, पता नहीं अगर ये ह्यूमन बॉडी होती तो कितनी नकचड़ी होती। आखिर कौन लड़की है जिसे ईशान मिलने जा रहा है? क्या शीला उस आदमी का साथ देगी? कौन था वो आदमी? ईशान अपना कर्जा कैसे चुकाएगा? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। ईशान ना चाहते हुए भी तैयार होने लगा था। उसे कपड़े बदलते समय अचानक अजीब सा लगा। उसने आसपास देखा तो कमरे में हर जगह TV, लैपटॉप, सब में कैमरे लगे हुए थे। एलिना भी उन्हीं की वजह से ईशान को देख सकती थी। हालांकि ईशान जानता था कि वो एक AI है, पर फिर भी वो एक फीमेल है, इसलिए ईशान ने उस रूम में कपड़े बदलना ठीक नहीं समझा और वो कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया। फिर बाहर आते हुए उसने कहा, क्या मुझे कभी थोड़ी प्राइवेसी मिल सकती है इस घर में? एलिना ने कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक AI मशीन हूं। ईशान ने कहा, तुम मुझसे जो काम आज करवा रही हो ना, वो एक मशीन का काम तो नहीं लगता। ये बोलने के बाद ईशान ने देखा स्क्रीन पर एलिना की होलोग्राफिक इमेज मुस्कुरा रही है। ईशान तैयार होकर बाहर चला गया। ईशान जब लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो उसने अपने आगे एक कपल को बातें करते हुए सुना।
कल तुमने देखा था, हमारे पार्किंग में एक नए मॉडल की फ्लोटिंग कार खड़ी हुई थी। इतनी महंगी कार हमारे घर के आसपास क्या कर रही है, और इतनी महंगी कार वाला हमारी बिल्डिंग में क्यों रहेगा? ईशान चुपचाप उनकी बातचीत सुनता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में अंदर गए, ईशान भी उनके पीछे लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था, तभी किसी ने आवाज दी, अरे रुको, मुझे भी नीचे जाना है। ये अनीका थी, जो अपने नीले बालों और बिखरे हुए सामान के साथ लिफ्ट की तरफ तेजी से चलकर आ रही थी। अनीका तेजी से लिफ्ट के अंदर आ गई और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। उस कपल ने अनीका को देखा और आश्चर्य से पूछा, आप उस दिन परेड में थी ना, हमने न्यूज चैनल पर आपकी तस्वीर देखी थी। अनीका समझ नहीं पाई कि वो उनसे क्या कहे, वो चुपचाप अपने बैग को देखने लगी। उसे चुप देखकर उस कपल ने फिर पूछा, हमने सुना है कि आप लोग अभी और भी परेड और हड़ताल करने वाले हो। अनीका जो इतनी देर से चुप थी, उसने उन लोगों की तरफ देखा और धीरे से कहा, हम बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए। फिलहाल अभी हम लोग सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों कपल जो इतनी देर से अनीका से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, देखो तुम लोगों को ये सब छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, हर किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता, ये हड़ताल और परेड इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अनीका ने उनकी तरफ देखा, वो कुछ कहना चाहती थी पर वो चुप हो गई। ईशान 67वें फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर आ गया और अपनी तैरती हुई कार में बैठ गया। ईशान को उन लोगों की बातों से ज्यादा मतलब नहीं था, आज वो एक ऐसी डेट पर जा रहा था जो उसने डिसाइड नहीं की थी। कार में बैठते ही उसने एलिना से पूछा, मुझे उससे मिलने के लिए कहां जाना है? एलिना ने कहा, पहले प्लान 18 सिटी का था, अब बदलकर चौथे जिले में हो गया है, बहुत सारे कैफे हैं, कहीं भी जा सकते हो। ईशान ने कहा, पर वर्क वीजा के बिना मेरा सिटी के बाहर जाना मुश्किल है, ऐसी मैं हर जगह नहीं घूम सकता। एलिना ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब इंतजाम कर दिया गया है। ईशान की कार जब सिटी लाइब्रेरी के ऊपर से निकली तो ईशान ने नीचे देखा, गौतम परिवार की 7 कारें सिटी लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ी थी। ईशान ने एलिना से पूछा, मैंने अभी अभी गौतम परिवार की 7 कारें नीचे खड़ी देखी, वो लोग यहां क्या कर रहे हैं? एलिना ने कहा, ये किसी उत्तराधिकार की लड़ाई के उम्मीदवार के लिए आए हुए हैं। ईशान को कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कल ही एलिना ने उसे बताया था कि उसे जिन 2 लड़कियों से मिलना है उसमें से एक शहर नंबर 1 से है और दूसरी शहर नंबर 10 से। उन लोगों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, पर आज अचानक ये दोनों लड़कियां सिटी नंबर 4 में आ गई है। शहरों में आने जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ती है, ये लड़कियां अचानक शहर में कैसे आ गई? ईशान को लग रहा था कि इन दोनों लड़कियों का उत्तराधिकार की लड़ाई से कुछ ना कुछ संबंध है। ईशान ने एलिना से पूछा, एक बात बताओ, तुमने कहा था कि उस दूसरी लड़की का नाम कामिनी है। एलिना ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ईशान ने फिर पूछा, और तुमने कहा था कि तुम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती, और तुमने उससे बस इसलिए बात करना शुरू किया क्योंकि वो सुंदर दिखती है। एलिना ने जवाब दिया, सुंदर दिखने का क्या मतलब है? देखो तुम मुझसे इस तरह से सवाल नहीं पूछ सकते, मैं 25 जेलों की वार्डन हूं। ईशान ने कहा, 24 जेलों की, जेल नंबर 18 को अभी अभी नष्ट कर दिया गया है, अब सिर्फ 24 बची है। ईशान ने आगे कहा, और मुझे यह भी समझ आ रहा है कि तुमने जानबूझकर मुझे एक उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए आई हुई कैंडिडेट के साथ डेट पर भेज दिया है। एलिना ने कहा, देखो ये एक कोइंसिडेंस है, मैं किसी भी लड़की से चैट करते समय उसके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं करती। ईशान ने फिर सवाल किया, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कैसे पता चला कि उस लड़की का असली नाम कामिनी है? एलिना ने कहा, मैं अगली बार से किसी से भी बात करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखूंगी। तभी ईशान ने नीचे देखा तो एक कैफे के सामने कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे जिन्होंने काले चश्मे पहन रखे थे और उन्होंने अपने कान पर हेडसेट लगा रखे थे। ईशान ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, लेकिन अब मुझे आगे क्या करना होगा? एलिना ने ईशान को समझाते हुए कहा, देखो तुम्हें बस उसे विश्वास दिलाने की जरूरत है कि जिससे वो बात कर रही थी वो सच में कोई है। ईशान ने कहा, देखो मुझे पता है मुझे क्या कहना है और क्या करना है,
तुम मुझे एक हेडसेट दे सकती हो क्या? एलिना ने कहा। देखो शहर में अभी दूसरे लेवल की लड़ाई की तैयारी चल रही है। तुम अगर अंदर जाओगे तो सबसे पहले वो लोग तुम्हारी तलाशी लेंगे और अगर तुम्हारे पास हेडसेट मिल गया तो उन्हें लगेगा कि तुम उनकी जासूसी करने आए हो और ये भी हो सकता है कि उन्हें लगे कि तुम कामिनी की हत्या करने आए हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मोबाइल से सब कुछ सुन सकती हूँ। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। ईशान ने उसे बोला, तुम मुझे अपनी और उसकी चैट हिस्ट्री भेजो ताकि मैं पढ़कर यह समझ सकूं कि मुझे उससे क्या बात करनी है। एलिना ने कहा, मैं अपनी चैट हिस्ट्री किसी को नहीं दिखा सकती, ये प्राइवेट है। ईशान ने हताश होकर पूछा, तुम मुझे अपनी चैट हिस्ट्री नहीं दिखा सकती तो कम से कम अपना आईडी तो बता ही सकती हो। एलिना ने कहा, तुम्हें यह भी जानने की जरूरत नहीं है। ईशान ने फिर पूछा, अगर मैं एक कवि की तरह उससे मिलने वाला हूं तो मुझे कुछ कविताएं भेजो जो तुमने उसे लिखकर भेजी थी ताकि मैं उन कविताओं को याद कर सकूं। एलिना ने कहा, मैंने उसे कोई कविताएं लिखकर नहीं भेजी है। ईशान ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारी कविताएं पढ़कर हंसूंगा, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं शक्तिपुंज 5 का यूज करके अपना चेहरा बदल देता हूं। एलिना ने कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, गौतम परिवार में कोई नहीं जानता कि तुम उस परिवार से हो, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और मैं तुम्हारी फोटो पहले ही उसे भेज चुकी हूं और मुझे लग रहा है उसे तुम्हारी फोटो पसंद आई है। फोटो भेज चुकी हो मतलब? मुझसे कब पूछा तुमने? तुम एआई होकर इंसानों से भी ज्यादा चालबाजी कर रही हो, ईशान ने गुस्से से कहा। एलिना चुप हो गई और फिर बोली, सॉरी। ईशान और एलिना ये सब बातचीत कर ही रहे थे तभी कार धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। ईशान को अचानक कुछ याद आया, एक मिनट रुको, अगर मीटिंग के दौरान जो खर्चा होगा वो कौन देगा? एलिना ने कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी, जो भी खर्च होगा मेरे अकाउंट से कट जाएगा। ईशान ने पूछा, और अगर तुम्हारे अकाउंट में पैसे खत्म हो गए तो? एलिना ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम मुझे क्या इतना गरीब समझते हो? मुझे लगता नहीं कि तुम अक्षय सिंह को बचाना नहीं चाहते हो, इसीलिए इतने सवाल पूछ रहे हो। ईशान ने एक गहरी सांस ली और कहा, नहीं मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रहा था। एलिना ने उसे जाते जाते कहा, सुनो, वो एक अमीर बाप की बेटी है, जब तुम उससे मिलो तो कंजूसी मत करना, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पैसे बचाओ। ईशान नीचे उतर रहा था और सोच रहा था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इतना घमंड हो सकता है। कार तैरते हुए जमीन पर आ गई थी। जब ईशान उस कैफे के दरवाजे पर पहुंचा तो दो बॉडीगार्ड उसकी तरफ बढ़ने लगे। उन लोगों ने अपनी जेब में हाथ डाल दिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी पिस्तौल निकाल सके। वो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रहे थे। ईशान कार से बाहर निकला तो उन लोगों ने उसकी तलाशी ली, फिर डिटेक्टर से उसके पूरे शरीर को स्कैन किया। उन लोगों को उसके पास एक मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उन लोगों ने उसे अंदर जाने दिया। वो कैफे बहुत बड़ा था। ईशान अंदर चला गया। उस इतने बड़े कैफे में कोई भी वेटर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक जवान लड़की जिसने दो चोटियां बांध रखी थी चुपचाप बैठी थी। उसके पास वर्दी में एक आदमी खड़ा हुआ था जो वेटर होने का नाटक कर रहा था और एक मिडल एज औरत कॉफी पी रही थी। उस महिला ने ईशान की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ईशान ने उस औरत की तरफ देखा और कहा, मैं ये कैफे खरीदना चाहता हूं। उस औरत ने झिझकते हुए कहा, यह कैफे बिकाऊ नहीं है। ईशान की बातें सुनकर एलिना थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि वो मोबाइल से ईशान की सब बातें सुन रही थी, पर दूसरे ही पल ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये कैफे बिकाऊ नहीं है तो आप एक काम करिए, मुझे बस एक कप कॉफी दे दीजिए। ईशान ये बोलकर उस लड़की की तरफ बढ़ गया। लड़की ने ईशान को देखा और अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं इधर हूं। ईशान उसके सामने बैठ गया और उससे पूछा, तो तुम लिटिल वेल हो? कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्यूट लव हो? उन दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने आईडी नाम के बारे में पूछा था और दोनों ने ही बात बदल दी थी। कामिनी ने आगे पूछा, तुम बिल्कुल अपनी फोटो की तरह ही दिखते हो, मुझे डर था कि कहीं वो फोटो फोटोशॉप ना की गई हो। ईशान समझ गया था कि उसने अपनी आईडी जानबूझकर नहीं बताई।
हो सकता है उसे किसी बात का डर हो। उसने ध्यान से देखा, कामिनी जो एक उत्तराधिकार की लड़ाई की उम्मीदवार थी, उसने गले में एक काले रंग का नेकलेस पहन रखा था जिसमें मोती जड़ा हुआ था। लड़की सुंदर दिख रही थी और ईशान को वो दोस्ती करने के लायक लगी। एक दूसरे को आईडी बताकर वो दोनों काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे। तभी उसने अपने मोबाइल पर एलिना का मैसेज देखा। एलिना ने लिखा था, उसकी तारीफ करो और बातचीत को आगे बढ़ाओ। ईशान ने कामिनी को देखा और कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये नेकलेस बहुत सुंदर है। कामिनी ने कहा, सच में? थैंक यू, मुझे लगा था कि शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। ईशान ने कहा, नहीं मुझे पसंद है, पर मैंने सोचा नहीं था कि आप मिलने के लिए इतना अच्छा इंतजाम करेंगी। कामिनी ने आसपास देखा और धीरे से कहा, देखो मैं जानती हूं कि मुझे इस तरह शहर नंबर 4 में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर हम इंटरनेट पर चैट करते हैं तो हम ऐसे मिल नहीं सकते, पर तुम मुझसे मिलने आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं जानती हूं कि तुम्हें बाहर तलाशी देते समय बहुत बुरा लगा होगा, पर बिना सिक्योरिटी के मेरे पापा मुझे यहां नहीं आने देते। क्या ईशान और कामिनी का मिलना कोई प्लान है? क्या एलिना के हर मूव के पीछे अजीत है? क्या अजीत जिंदा है? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ईशान उसे देख रहा था, वो उसे अच्छी लग रही थी। तभी एलिना का एक और मैसेज आया, उसके सामने मत बैठो, उसके पास जाकर बैठो, उसका हाथ पकड़ो और कहो कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। ईशान ने मन में सोचा, ये सब एक सच्ची दोस्ती में करना जरूरी है क्या? और ये एआई फीमेल होकर खुद को मेल बताकर बात कर रही थी, भरोसे का तो जमाना ही नहीं रहा। कामिनी ईशान को देख रही थी, उसे वो शायद बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आगे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तस्वीर से भी अच्छे दिखोगे। क्या तुम सच में पोएट हो या तुमने ऐसे ही लिख दिया था? ईशान ने कामिनी से पूछा, क्यों तुम्हें मैं पोएट नहीं लग रहा क्या? कामिनी ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे बड़े बाल होंगे, लंबी दाढ़ी होंगी, हाथ में एक झोला होगा, पर तुम तो बिल्कुल अलग ही दिख रहे हो। कामिनी जब ईशान को ये सब बोल रही थी, तभी एलिना ने ईशान के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा, उससे कहो कि तुम उसके दिल में रहना चाहते हो। ईशान को एलिना पर बहुत गुस्सा आया, उसने फोन बंद करके टेबल पर उल्टा रख दिया। ईशान ने उससे आगे पूछा, वैसे आप अचानक सिटी नंबर 4 में क्यों आ गई? आपके परिवार वालों ने आपको इतनी आसानी से यहां आने दिया? कामिनी ने कहा, मैंने आपको परसों बताया था कि मैं उत्तराधिकार की लड़ाई की एक उम्मीदवार हूं और सेकेंड राउंड की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, इसीलिए सभी उत्तराधिकार की लड़ाई वाले लोगों को शहर नंबर 18 में जाना है, तो मुझे लगा यहां मिलना ज्यादा सेफ है, लेकिन मैं आपको अपने आने का पूरा मकसद नहीं बता सकती। कामिनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर आगे कहा, मेरे परिवार वाले नहीं जानते कि हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं। उत्तराधिकार की लड़ाई के बारे में कामिनी के बार बार बोलने के कारण ईशान ने चिंतित होने का नाटक किया और कहा, फेडरल मीडिया लगातार उत्तराधिकार की लड़ाई के बारे में न्यूज चैनल पर बता रही है, क्या इन सब से तुम्हें खतरा नहीं होगा? कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तो उत्तराधिकार की लड़ाई में भाग ही नहीं लेना चाहती थी, पर मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इसमें भाग लूं। वो बोलते हैं कि मुझमें इतनी ताकत है कि मैं लड़ाई जीत सकती हूं और अपनी रक्षा भी खुद कर सकती हूं। ईशान और कामिनी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन कैफे वाली वो औरत अपना सब काम छोड़कर उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। वो कामिनी पर नजर रख रही थी ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ईशान ने कामिनी से पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे अलावा इस उत्तराधिकारी की जंग में कौन है जो जीत सकता है? कामिनी ने कुछ देर सोचा और कहा, वैसे तो सभी लोग उम्मीद में हैं, लेकिन किसी के पास भी शक्तिपुंज नहीं है, पर हां, रवि गौतम बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके चर्चे बहुत चल रहे हैं। मुझे अकेले लड़ना है या उसका साथ देने के लिए कहा गया है, लेकिन हम दोनों ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। कामिनी की बात सुनकर ईशान मन ही मन थोड़ा घबरा गया। उसे पता चला कि अब कई सारे दमदार योद्धा इस उत्तराधिकार की लाइन में लगे हुए हैं। रवि गौतम जीत का दावेदार है,
पर कामिनी की बात से ईशान को एक चीज और समझ में आई कि जिन लोगों को पहले राउंड में शक्तिपुंज नहीं मिला वो लोग दूसरे राउंड में केवल बचे हुए उम्मीदवारों का सपोर्ट कर सकते हैं। कामिनी ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता जो टीम्स बन रही है वो एक दूसरे के लिए ईमानदार रहेगी, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास शक्तिपुंज नहीं है। हो सकता है वो एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये उत्तराधिकार की जंग आखिरी तक चलेगी और मुझे डर है कि क्या आखिरी तक कोई भी अपना असली रंग नहीं दिखाएगा। कामिनी ने बिना कुछ सोचे समझे ईशान को इतनी सारी जानकारी दे दी थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सामने जो बैठा है वो भी उत्तराधिकार की लड़ाई का एक उम्मीदवार है। ईशान ने सोचा, हो सकता है कि कामिनी को पहले से ही ये सब कुछ पता हो। वो थोड़ा सतर्क हो गया। ईशान ने थोड़ा लापरवाही से पूछा, आप कितनी मासूम है, इतनी छोटी है, आप उत्तराधिकार की जंग में कैसे लड़ेंगी? कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हर कोई जानता है मैं लड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। ईशान ने फिर एक सवाल पूछा, लेकिन मैंने मीडिया में पढ़ा है कि जो लोग भी इस उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल हो रहे हैं उन्हें शक्तिपुंज ले जाने की परमिशन नहीं है, उन्हें सेकेंड राउंड में खुद शक्तिपुंज ढूंढने होंगे। ईशान ने आगे पूछा, और किंग सम्राट ने भी कहा है कि उम्मीदवारों में से किसी के पास दो शक्तिपुंज है। कामिनी ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, किसी ने रवि गौतम को धोखा दिया है। उसके मास्टर को यह लगा कि वो उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए रवि गौतम को एक शक्तिपुंज दिया था, जो शक्तिपुंज 90 यानी अमर ब्रॉच दिया था। शक्तिपुंज की खासियत यह है कि अगर आप मर रहे हैं तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ईशान को आज कामिनी से बहुत सारी जानकारी मिल गई थी, जो किंग सम्राट द्वारा दी गई जानकारी से बहुत ज्यादा थी। अभी तक उसने उस उत्तराधिकार की लड़ाई में भाग लेने के बारे में सोचा नहीं था, इसलिए वो दूसरों से जानकारी प्राप्त कर रहा था। हालांकि ईशान इस पहली मुलाकात में उत्तराधिकार की लड़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहता था। ईशान ने बात बदलते हुए कहा, चलो ये सब बातें छोड़कर कुछ कविता की बातें करते हैं। तुम्हें मेरी लिखी कविताएं याद है? ईशान मोबाइल में उसे अपनी कविताएं दिखाने के लिए मोबाइल उठाता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। ईशान जानता था कि एलिना ने किस तरह की कविताएं लिखी होंगी। कामिनी ने ईशान को चमकती आंखों से देखा और बोली, मुझे तुम्हारी हर कविता याद है, मैं तुम्हें अभी सुनाऊंगी। तभी ईशान का मोबाइल अचानक से अजीब सी आवाज करने लगा। कामिनी ने पूछा, क्या हुआ? ईशान ने कहा, सब ठीक है, लगता है फोन खराब हो रहा है। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जानते हो तुम्हारी कविता दिल का सफर बहुत पसंद है, मैं तुम्हें अभी वो सुनाती हूं। ईशान का मोबाइल फिर से अजीब सी आवाज करने लगा, जिसे सुनकर वो महिला जो काउंटर पर बैठी थी अचानक पिस्तौल लेकर खड़ी हो गई। वो ईशान को घूर रही थी। ईशान समझ गया था कि अगर उसने कोई भी गलती की तो वो महिला उसे गोली मार देंगी। ईशान का दिमाग तेजी से चला। वो समझ गया कि अगर कामिनी उत्तराधिकार की लड़ाई की एक उम्मीदवार है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हाई लेवल के मास्टर को ही होना चाहिए, और ये महिला हाई लेवल की मास्टर ही होगी। ईशान ने बात संभालते हुए कहा, मेरा फोन पहले भी 2-3 बार गिर चुका है, इसीलिए ऐसी आवाज करता है। ईशान जानता था कि फोन क्यों बज रहा है। ये एलिना है, जो नहीं चाहती थी कि कामिनी उसकी कविताएं उसे सुनाए। ईशान ने मन ही मन सोचा कि चलो किसी बात से तो ये एलिना डरी। कामिनी कविता शुरू करने वाली थी, तभी जो महिला काउंटर पर बैठकर कॉफी बीन्स पीस रही थी, जो अभी थोड़ी देर पहले ईशान और कामिनी को घूर रही थी, वो धीरे से कामिनी के पास आई और बोली, मैडम कामिनी, मिलने का समय समाप्त हो गया है, अब हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं, हम इससे ज्यादा आपको बाहरी लोगों से मिलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं, ये गैर कानूनी है, अब हमें चलना होगा। कामिनी ने ईशान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली और बोला, सॉरी ईशान, अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं अभी इसी शहर में हूँ, हम फिर एक दूसरे को जल्दी मिलेंगे। ईशान ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ जरूर मिलेंगे। कामिनी ने अचानक शर्माते हुए ईशान की तरफ देखा और पूछा, तो मुझसे मिलकर आपको कैसा लगा? ईशान ने कहा, बहुत अच्छा लगा। ईशान ने जैसे यह कहा कि उसे अच्छा लगा,
कामिनी ने झट से उसे कहा, क्या तुम अभी मेरे लिए एक कविता लिख सकते हो? मैं जानती हूं तुम 2 मिनट में एक कविता लिख देते हो। ईशान ने सोचा नहीं था कि कामिनी इस तरह की फरमाइश कर देगी, क्योंकि एलिना के लिए तो कविता लिखना 1 मिनट का काम था। वो अपनी AI तकनीक से कोई भी कविता 1 मिनट में लिखकर दे सकती थी। ईशान सचमुच फंस गया था। कामिनी उसकी तरफ देख रही थी। ईशान घबरा रहा था। वो बीच बीच में अपने फोन को भी देख रहा था। ईशान कामिनी से सॉरी बोलने ही वाला था, तभी कामिनी की बॉडीगार्ड ने उसे चलने का इशारा किया। कामिनी ने उससे कहा, एक काम करो, तुम जब अगली बार मुझे मिलोगे ना तो कविता लिखकर आना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बोलकर कामिनी जल्दी से अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल गई। उसके जाते ही ईशान ने चैन की सांस ली और टेबल पर बैठ गया। आज वो फंसते फंसते बच गया था। तभी एलिना का एक मैसेज आया, तुमने मेरा कोई भी काम पूरा नहीं किया, आज तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, तुम कम से कम उसे कविता तो लिख कर दे ही देते। ईशान जल्दी से अपनी कार पर चढ़ गया और मुंह बनाकर बोला, तुम्हें मैंने क्या डिसअपॉइंट किया? मैं कोई पोएट नहीं हूं और ना ही कोई AI सिस्टम जो 2 मिनट में कविताएं लिख कर दे दूं। एलिना ने कहा, दुनिया में बहुत सारी कविताएं हैं, कुछ भी याद करके बोल देते। ईशान ने जवाब दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी अगली बार मदद करूं, तो ये सब फालतू की बकवास बंद करो। मैंने कामिनी को यकीन दिला दिया है कि तुम वास्तव में हो। ठीक है, जैसा तुम कहो, एलिना ने कहा। ईशान ने एलिना से पूछा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब मुझे अक्षय सिंह को बचाने के लिए क्या करना होगा वो बताओ। एलिना ने उसे जवाब दिया, 3 दिन बाद मैं तुम्हें अक्षय सिंह को बचाने का पूरा प्लान दूंगी। ईशान ने कुछ देर सोचा और बोला, तुम्हारी कविताएं वाकई में इतनी गंदी है क्या? एलिना ने उसे इग्नोर किया और बोला, अब यहां से तुम कहां जाने वाले हो? ईशान ने फिर पूछा, तुम्हारी कविताएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है क्या? एलिना ने उससे पूछा, मुझे लगता है तुम्हें बॉक्सिंग देखने के लिए बॉक्सिंग एरिना में जाना चाहिए। ईशान लगातार उसे कविताओं के बारे में पूछ रहा था और एलिना उसे इग्नोर करके कुछ और बातें पूछ रही थी। ईशान ने हंसते हुए पूछा, तुमने आज तक कितनी कविताएं लिखी है? एलिना ने गुस्से में कहा, तुम अपनी बकवास अब बंद करोगे? और एलिना ने बातचीत बंद कर दी। उधर कामिनी अपनी कार में अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वापस जा रही थी। कामिनी की महिला बॉडीगार्ड ने कामिनी से पूछा, मुझे लगता है कि वो लड़का आपसे कुछ छुपा रहा था, वो हेल्प करने वाला नहीं लग रहा था। कामिनी ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, वो एक अच्छा सहयोगी हो सकता है। उस महिला बॉडीगार्ड ने फिर कहा, आज जो कुछ भी हुआ वो सब मुझे आपके पापा को बताना होगा, ताकि वो उस लड़के के बारे में और भी जानकारी निकाल सके। कामिनी ने एक बार उस महिला गार्ड को देखा और फिर अपने बाल बांधते हुए बोली, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं इस उत्तराधिकार की लड़ाई से हट जाऊंगी। कामिनी की बात सुनकर वो महिला थोड़ी डर गई और वो बोली, मैडम, हमें उस उत्तराधिकार का युद्ध जीतना नहीं है, लेकिन हमें इसमें रहना है। आपके पापा सिर्फ आपकी फिक्र करते हैं कि कहीं आपको इस युद्ध में कुछ हो ना जाए। कामिनी ने कुछ देर सोचा और बोली, देखो, पापा ने मुझे पहले राउंड में शक्तिपुंज दिलाने के लिए बहुत मेहनत की थी और मुझे भी अपनी सुरक्षा की चिंता है, लेकिन अब ये बात आगे बढ़ाएंगे तो मुझे अपनी वापसी की घोषणा करना ही ठीक लग रहा है। उस महिला बॉडीगार्ड ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करके कहा, देखिए मैडम, सब आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दूसरे उम्मीदवार बहुत ज्यादा आक्रामक है, कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। कामिनी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम चिंता मत करो, वो लड़का मुझे कभी कुछ नहीं करेगा। मैं भी उसे उतना नहीं जानती हूं, लेकिन मुझे उससे मिलकर लगा कि वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। वो महिला बॉडीगार्ड ने सोचा, कामिनी उसकी बारे में इतना कैसे सोच पा रही है, जबकि उससे पहली बार मिली थी। कामिनी ने उससे पूछा, अब हमें और कहां जाना है और क्या करना है, आप बता सकती हैं? क्या कामिनी ईशान को पसंद करने लगी है या उसे इस्तेमाल करने वाली है? क्या अक्षय सिंह जेल से बाहर आ पाएगा? क्या ईशान उत्तराधिकारी की दूसरी जंग में भाग लेगा? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। कामिनी ने अपनी बॉडीगार्ड महिला से पूछा कि अब क्या करना है, कहां जाना है।
उसके साथ ही महिला बॉडीगार्ड ने कहा, आज हमें चैंपियन बॉक्सिंग एरिना में जाना है, वहां हमें शीला मिलेगी, हमें उससे अपनी मदद के लिए बोलना होगा। वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करती है और वो बहुत ताकतवर है, वो जरूर हमारी बात समझेगी। कामिनी ने कुछ पूछा, शीला शेखावत परिवार की तीसरी पीढ़ी है और वो कमाल की फाइटर है, क्या वो मुझ जैसी नई लड़की की मदद के लिए तैयार होगी? महिला बॉडीगार्ड ने कहा, हाँ उसने हमें खुद मिलने बुलाया है, जो जरूर हमारी मदद करेगी। कामिनी अभी भी ईशान के बारे में ही सोच रही थी, उसे आज काफी दिनों बाद अच्छा लगा था, वो इस लड़ाई वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थी। बॉक्सिंग एरिना में ईशान आज बहुत जल्दी पहुंच गया था, वहां अभी कोई नहीं था, टाइगर भी अभी वहां नहीं था, बस बॉक्सिंग एरिना में साफ सफाई करने वाला स्टाफ था। वो पूरी जगह की सफाई के साथ साथ जमीन पर पड़े कागज, फटे हुए टिकट सब उठा रहे थे। ईशान अपने प्राइवेट रूम में पहुंचा और उसने अपने लिए काफी सारा खाना मंगाया। वेटर ने पहले सोचा कि ये एक आदमी का खाना तो नहीं लग रहा, पर उसकी ईशान से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, वो चुपचाप खाना ले आया। ईशान ने खाना शुरू ही किया था तभी उसके सेलफोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज अलीना का था, आज तुम बॉक्सिंग एरिना बहुत जल्दी आ गए, क्या तुम अपने खाने के पैसे बचा रहे हो? ईशान ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, देखो मैं जब भी अपने कर्ज के बारे में सोचता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे कैसे चुकाऊंगा, मैं सो भी नहीं पाता हूँ, मेरे पास अच्छा खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैं दोपहर के खाने के पैसे बचा लेता हूँ, मैं ये सब चीज अभी नहीं खा सकता हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं आज और भी अच्छा प्रदर्शन करूंगा, मैं तुम्हारे लिए खेलूंगा, जो भी पैसे मिलेंगे तुम्हें दे दूंगा। एलिना ने कहा, ठीक है। ईशान ने एलिना से पूछा, वैसे तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? एलिना ने संभलते हुए कहा, तुम क्या मेरे पैसे चुराना चाहते हो? ईशान ने कहा, मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूं आपको जेल के वार्डन की नौकरी के लिए कितनी सैलरी मिलती है। एलिना ने जवाब दिया, फेडरल गवर्नमेंट हर साल सभी जेल को बहुत सारा पैसा देती है। ईशान ने यह बात सुनी और उसकी आंखें चमक उठी, वो सोचने लगा कि जेलों के पास वाकई में बहुत सारा पैसा है। एलिना ने आगे कहा, देखो तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं ये पैसा किसी को भी नहीं दूंगी। ईशान ने सोचा, ये एलिना वाकई में बहुत पैसे वाली है, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। इस तरह की AI द्वारा बनाई गई मशीन कई सालों तक जिंदा रहती है और कोई नहीं जानता कि उसके पास कितना पैसा है और इतने पैसों का वो करेगी क्या। ईशान मन में सोच रहा था कि कैसे कोई अजगर कई सालों तक अपने सिक्के दबाकर रखता है। लोग सोचते हैं कि वो अजगर जब हटेगा तो सिक्कों पर कब्जा कर पाएंगे, पर लोग खत्म हो जाते हैं और अजगर वहीं का वहीं बैठा रहता है। ईशान ने मन में सोचा कि वो एलिना को जितना खराब समझता है वो उतनी खराब है नहीं, वो वास्तव में अच्छी है। ईशान ने फिर अपने फोन पर टाइप किया, मुझे लगता है कि जितना समय मैंने तुम्हारे साथ बिताया है हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। एलिना ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, नहीं मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूं। ये बोलकर एलिना चुप हो गई। ईशान वहीं पर आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि अजीत मास्टर उसे ये किस सिचुएशन में डालकर चले गए हैं। ऐसा कम ही होता है कि ईशान को आराम करने के लिए थोड़ा समय मिलता हो, लेकिन ईशान फिर भी हर मुक्केबाजी मैच को याद कर रहा था। ईशान ने कई सारे फाइटिंग मैचों के वीडियो एक साथ देख डाले, वो हर चीज समझना चाहता था, किस मैच में किसने क्या तकनीक यूज की है वो देख देख कर सीखता जा रहा था। रौनित और सभी लोगों को लगता था कि ईशान के पास सुपर मेमोरी है, लेकिन ईशान के पास कोई सुपर मेमोरी नहीं थी, वो उसका अपना एक यूनिक टैलेंट था, वो अपने दिमाग में चीजों को स्लो मोशन में चलाकर भी देखता था। ईशान बहुत ज्यादा वीडियो देख रहा था, वीडियो देखकर वो थक भी गया था, पर उसने अपना काम नहीं रोका क्योंकि वो जानता था अगले जीवन मृत्यु के खेल में वो तभी जीत सकता है जब वो पूरी तरह से तैयार हो। अजीत ने भी उसे यही सिखाया था, भले ही सामने वाला दुश्मन हार मानकर चला जाए पर ईशान कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। पर ईशान को यह भी बात समझ में आ गई थी कि वीडियो में जो मुक्का पड़ता है असली जिंदगी में वो कितना दर्दनाक होता है, ये वीडियो देखकर समझ में नहीं आता।
ईशान ने सोचा उसे तैयार हो जाना चाहिए। ईशान अभी भी खाना खा ही रहा था, तब तक टाइगर तैयार हो चुका था। उसके अटेंडेंट ने देखा, उसने साधारण कपड़े पहने थे पर आज वो पहले से ज्यादा सतर्क लग रहा था। तभी ईशान के दरवाजे पर एक सुंदर महिला अच्छे कपड़े पहने लिपस्टिक लगाई आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और बोलती है, भाई आज आप जल्दी आ गए। ईशान ने उसे देखा और बोला, तुम जल्दी आ गई हो तो मेरे मैच की व्यवस्था करने में मेरी मदद करो। टाइगर भी वहां आ गया। उसने आते ही कहा, तो मनी मेकर, तुम आज फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो? बताओ तुम्हें किस तरह के खिलाड़ी से लड़ना है? ईशान ने कुछ देर सोचा और बोला, तो सबसे कमजोर टाइगर वेट मुक्केबाज से शुरुआत करते हैं। मैं पहले अपने हाथों की प्रैक्टिस करना चाहता हूं। टाइगर ने कहा, पिछली बार जब तुमने उस बॉक्सर को पीट पीट कर ऑलमोस्ट मार ही डाला था तो सब चाह रहे थे कि तुम उससे भी बड़े बॉक्सर से लड़ाई करो, लेकिन अब तुम कमजोर टाइगर वेट से लड़ना चाहते हो। पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, मेरी सिस्टर तुम्हारे लिए व्यवस्था करेगी। ईशान टाइगर की सिस्टर को मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू सिस्टर। टाइगर ने हंसते हुए कहा, ठीक है तो अब अगला गेम प्लान क्या है? आप कब कब खेलेंगे? ईशान ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, हफ्ते में दो गेम ठीक रहेंगे। हफ्ते में दो गेम का मतलब ईशान हर महीने 10 लाख तक कमा सकता था। अगर वो लगातार 10 महीने खेलता रहा तो वो अपना कर्ज चुका पाएगा, पर इसके लिए उसे फाइट जीतनी होगी। तभी ईशान ने सोचा, क्या अजीत बॉस ने उसे जानबूझकर यहां पर फंसाया है ताकि वो 10 महीने तक यहां पर कर्ज के पैसे इकट्ठा करता रहे और वो 10 महीने बाहर की दुनिया में बाकी की दूसरी चीज कर सके। टाइगर ने ईशान को देखा और एकदम से बोला, तुम हफ्ते में दो गेम खेलना चाहते हो? ये पॉसिबल नहीं है। तुम अपने आप को मारना चाहते हो क्या? ईशान ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, देखिए हम पहले इसे आजमाते हैं। अगर मैं गेम में घायल हो जाता हूं तो धीमा हो जाऊंगा, और अगर कोई चोट नहीं लगती तो मैं आगे खेलना जारी रखूंगा। टाइगर ने उसकी बात सुनी, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। इन सब बातों के बाद टाइगर ने रेफरी और होस्ट को बुलाया और कहा, आज रात तैयब और कपिल की फाइट होगी। होस्ट सीधा ईशान के पास आया और बोला, तो चलो कपिल तैयार हो जाओ। आपको अपने कोच असिस्टेंट के साथ स्टेज पर जाना है। स्टेज पर जाने से पहले आपको और तैयब को एक दूसरे से बातचीत करनी होगी, और ये बातचीत ऐसी हो कि लोगों को लगे कि तुम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। ईशान ने टाइगर की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सब करना जरूरी है? ये बहुत ही बनावटी होगा, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। टाइगर ने होस्ट की तरफ देखा और कहा, कपिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, यह सब की कोई जरूरत नहीं है। होस्ट ने हताश होकर कहा, लेकिन यह तो हमारी एक मार्केटिंग रणनीति है। कपिल को लोगों में और भी ज्यादा फेमस करने के लिए यह सब तो करना बहुत जरूरी है। टाइगर ने कहा, तो तुम अपनी रणनीति बदलो। तुम एक बात सोचो, अगर तैयब कपिल को बहुत सारी गंदी बातें कहता है और कपिल उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है तो सब लोगों को कपिल ही ज्यादा पसंद आएगा, और खास तौर पर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करती है। और अगर एक बार वो लड़कियों में फेमस हो गया तो फिर उसे हर कोई पसंद करेगा। होस्ट ने आगे कुछ भी बात करना ठीक नहीं समझा। ईशान के फिर से रिंग में उतरने की बात सब तरफ तेजी से फैल गई थी। पिछली बार के मैच को देखकर सभी लोगों को लग रहा था कि ईशान ही अगला बॉक्सिंग चैंपियन होगा। सारे दर्शक और सट्टेबाजों को उससे बहुत उम्मीद थी। टाइगर वेट बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए ईशान तैयार था या नहीं, ये कहना मुश्किल था। बात फैलते ही बहुत सारी महिला प्रशंसक बॉक्सिंग एरिना में इकट्ठा हो रही थी। बहुत सारी महिला प्रशंसक ईशान के ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़ी थी, और ईशान उनके हाथों पर अपने ऑटोग्राफ दे रहा था। ईशान अब लड़ाई के लिए तैयार था। मनन ने शीला से कहा, हम लोगों को आज बॉक्सिंग मैच देखना चाहिए, मैं बॉक्सिंग मैच देखना चाहता हूं। पर शीला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। निराली चुपचाप ये देख रही थी और मन में सोच रही थी कि मनन की बात कोई नहीं सुनता। शीला ने मनन से कहा, तुम्हें मैच देखना है तो देखो, पर मैं आज गौतम परिवार की एक उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल लड़की से मिलने वाली हूं,
उसका नाम कामिनी है। निराली और मनन दोनों ये बात सुनकर मन ही मन खुश हो गए थे। निराली ने शीला से पूछा, शीला दीदी आप कितने उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल लोगों के साथ काम कर रही हो? शीला ने निराली की तरफ देखा और बोली, मैं गौतम परिवार के काफी सारे उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल लोगों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन वो लोग आपस में नहीं जानते हैं कि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। मैं सब चीजों पर नजर रख रही हूँ। अभी तक मैं सबसे मिल रही हूँ। मैं किसका पूरा साथ दूंगी ये मुझे डिसाइड करना बाकी है। मनन गुप्ता ने शीला की तरफ देखा और सोचने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शीला इतने सारे उत्तराधिकार की लड़ाई में लोगों की एक साथ मदद कर रही है। उसने सोचा उसे जल्द से जल्द ईशान के पास वापस जाना होगा और उसे बताना होगा कि शीला क्या कर रही है। निराली ने शीला से पूछा, शीला दीदी क्या आपको लगता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल उम्मीदवार वास्तव में आपसे मदद चाहते हैं? कहीं वो आपको यूज तो नहीं करना चाहते? शीला थोड़ी मुस्कुराई और निराली के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है निराली, तुम बस ये देखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निराली ने सोचा, अगली बार जब भी ईशान वापस लौटेगा तो उसे इन सब चीजों के बारे में जरूर बताएगी। निराली ने सोचा था कि ईशान बहुत ज्यादा समझदार है, वो शीला को एक अच्छी योजना बनाने में जरूर मदद करेगा, वो किसी को भी मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। इस समय मनन ने शीला से पूछा, शीला तुम्हें क्या लगता है उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल गौतम परिवार के तीसरी पीढ़ी के लोगों में से ही कोई ये लड़ाई जीतेगा? क्या वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं? शीला ने मनन को देखा और कहा, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस सारे खेल में गौतम परिवार का उत्तराधिकारी बनने के लिए इन सबसे भी आगे कोई और है। मनन ने चौंक कर शीला की तरफ देखा और पूछा, कौन है वो असली उत्तराधिकार की लड़ाई का योद्धा? आखिर कौन है वो योद्धा जिसकी बात शीला कर रही है? क्या ईशान फाइट जीत पाएगा? क्या ईशान अपना कर्जा उतार पाएगा? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। शीला की बात सुनकर मनन मन ही मन सोच रहा था, एक सच्चा उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? पूरी फेडरेशन का ध्यान अभी सिर्फ उन 9 लोगों पर था जो इस लड़ाई को लड़ रहे थे। सभी लोग आसपास में गौतम परिवार और उत्तराधिकार की लड़ाई में लड़ रहे लोगों के बारे में बातचीत कर रहे थे। कुछ लोग रवि गौतम की तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। कुछ लोग भानु गौतम के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे वो बचपन से ट्रेनिंग कर रहा था और बहुत ज्यादा फोकस था। कुछ लोग वीरेन गौतम के बारे में बात कर रहे थे कि वो इतना मजबूत है कि उससे कोई नहीं टकरा सकता। सब लोग इन बड़े लोगों की तारीफ कर रहे थे जिनके सामने कामिनी, ईशान और बाकी छोटे उत्तराधिकार की जंग के योद्धा सिर्फ बच्चे दिखाई दे रहे थे। जैसे पिछली पीढ़ी में राजीव गौतम उत्तराधिकार की जंग जीते थे, उन्होंने गौतम परिवार को संभाला था, उनके मुकाबले में ये सारे कैंडिडेट बहुत अलग थे। निराली ने शीला से पूछा, शीला दीदी इस समय आपको पता है गौतम परिवार की गद्दी किसके पास है? क्योंकि न्यूज में भी इसके बारे में कहीं भी कुछ खबर नहीं है। शीला ने उसकी बात सुनी और जवाब दिया, तेजा गौतम, विवान गौतम और हिमेश गौतम में से कोई एक उस गद्दी पर बैठा है। मनन ने उसकी बात सुनी और बोला, रुको, तीनों में से एक का मतलब क्या है? क्या पिछली पीढ़ी ने उत्तराधिकार के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा? शीला ने समझाते हुए कहा, बिल्कुल, उन लोगों के बीच भी उत्तराधिकार की जंग हुई थी, लेकिन उन तीनों में से कौन जीता ये कोई नहीं जानता। अब बस ये पता है कि हारने वाले दोनों लोग मर चुके हैं, लेकिन कौन मरा कौन जिंदा है ये कोई नहीं जानता। मनन ने उससे पूछा, आखिर ऐसा क्यों होता है? शीला ने समझाते हुए कहा, क्योंकि गौतम परिवार के उत्तराधिकार की लड़ाई हमेशा से ऐसी ही रही है। शुरुआत में ये सबको दिखाई देती है, पर जैसे जैसे लोग कम होते जाते हैं लड़ाई का रूप भी बदलता जाता है। लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। युद्ध समाप्त होने के बाद मीडिया तक को नहीं पता चलता कि आखिरी उम्मीदवार कौन बचा था। और आज 15-20 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, कोई भी ये नहीं जान सका है।
निराली और मनन शीला की बातें सुनकर चौंक गए थे। शीला ने आगे बोलना जारी रखा, गौतम परिवार का मुखिया ही असली आदमी है जो कहीं छुपा हुआ है। हम लोग सिर्फ उस पर रिएक्शंस दे सकते हैं, पर उस तक पहुंच नहीं सकते। मनन ने आगे पूछा, मैंने सुना है पिछली लड़ाई के समय वो सामने आया था, वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? शीला ने मनन की बात समझी और कहा, पिछली लड़ाई के समय किसी ने खुफिया संगठन की कोई जानकारी लीक कर दी थी। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने गौतम परिवार के मुखिया को देखा है, हालांकि उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन सुनने में आया है कि उस लड़ाई में उन्हें काफी चोट आई थी। ये उस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई थी। निराली ने मन ही मन बोला, ये तो बहुत ही गलत है परिवार के हिसाब से। अच्छे लोगों की मौत हो गई या फिर वो लड़ते लड़ते घायल हो गए, पर उनका कोई पता नहीं। क्या गौतम परिवार को इस पर दया नहीं आती? शीला ने निराली और मनन को समझाते हुए कहा, हाँ ये बहुत खतरनाक है और वाकई में बहुत अफसोस की बात है, पर गौतम परिवार के हजारों बच्चे, हजारों लोगों में से एक उत्तराधिकारी चुना जाता है, और इतने सारे लोगों में से एक को चुनने में ये सब कठिनाइयां तो आएगी ही। मनन ने इसी बीच शीला से पूछा, और शेखावत परिवार के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? शीला ने शांति से कहा, हमारा परिवार शेखावत परिवार की पद्धति से ही चलता है। तुम लोग ये सब बातें छोड़ो और बॉक्सिंग अरीना में चलो और देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो लोग वहां से निकल गए थे और चौथे जिले की तरफ बढ़ रहे थे। यहां पर हर कोई जानता था कि शेखावत परिवार की सबसे बड़ी बेटी चैंपियन बॉक्सिंग जिम चलाती है। शीला और उसकी गाड़ियां चैंपियन बॉक्सिंग जिम के बाहर आकर रुकती है। बॉक्सिंग जिम के ऊपर एक बड़ी सी होलोग्राफिक स्क्रीन लगी थी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा उस पर ईशान के पिछले मैच के हाइलाइट्स चल रहे थे, जिसमें ईशान की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। शीला ने वहां के लोगों से पूछा, आज क्या कपिल का गेम है? वहां के स्टाफ ने उससे कहा, जी हाँ, आज कपिल का मुकाबला टाइगर वेट मुक्केबाज तैयब के साथ है। ये आज का सबसे हॉट टॉपिक है। ये मैच जबरदस्त मैच होने वाला है। शीला ने थोड़ा चिढ़कर उनसे पूछा, जबरदस्त मैच तो हमेशा शनिवार को होता है, आज सोमवार को क्यों रखा गया है? मैं टाइगर से मिलना चाहती हूं। स्टाफ ने शीला को समझाया, आज मैच करने के लिए खुद कपिल ने ही कहा था, वो चाहते थे कि उनका मैच आज ही हो। अगर आप भी मैच देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हैं। वैसे अब से वो हफ्ते में 2 मैच खेलेंगे। शीला ने ये बात सुनी और जोर से बोली, हफ्ते में 2 मैच? वो क्या मरना चाहता है? ये आपने उसे करने के लिए कहा था या उसने इसके लिए इंसिस्ट किया था? क्योंकि शीला पहले भी टाइगर को समझा चुकी है कि अगर ईशान यानी कपिल लड़ना नहीं चाहता तो कोई भी उसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन टाइगर शायद ज्यादा पैसे कमाने के लिए ईशान का यूज कर रहा है। वहां खड़े स्टाफ के चेहरे पर पसीना आ गया था। उन्होंने घबराते हुए कहा, हम लोगों ने इन्हें बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया है, वो हमारे बॉस के भाई है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर कपिल से खुद पूछ सकती है, ये लड़ाई करने के लिए उन्होंने खुद ही कहा था। शीला ये सब सुनकर हैरान थी। वो सोच रही थी कि एक हफ्ते में अगर कपिल 2 लड़ाइयां लड़ता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, उसका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। कपिल ऐसा क्यों कर रहा है? मनन गुप्ता और निराली पहले से ही चिंतित थे। उन्हें किसी और चीज की चिंता नहीं थी, वो सिर्फ ईशान के बारे में सोच रहे थे। अगर ईशान को कुछ हो गया तो, क्योंकि एक मैच में ही फाइटर्स की हड्डी पसली एक हो जाती है, ईशान तो एक वीक में 2 मैच की बात कर रहा है। मनन मन ही मन बोला, हे महाकाल, मेरे दोस्त की जान बचा लेना। पता नहीं इसे पैसों का लालच आ गया है क्या, ये ऐसा क्यों कर रहा है? शीला और बाकी सब लोग अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़े। शीला ने बाहर खड़े कुछ नए गार्डों को देखा, जिन्होंने बिल्कुल सादे कपड़े पहन रखे थे। उसने उनसे पूछा, सब कुछ ठीक है? गार्ड ने कुछ अजीब सा रिएक्शन दिया और घबराते हुए कहा, हाँ ठीक है। शीला और बाकी सब लोग थोड़ी परेशानी के साथ अपने कमरे की ओर चले गए। वो लोग सोच रहे थे ये कौन से गार्ड है, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा अंदर 2 चोटियां बांधे हुए कामिनी बैठी हुई दिखाई दी। कामिनी ने शीला को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, कैसी है शीला दीदी?
शीला और बाकी लोगों को समझ में आ गया था कि बाहर जो गार्ड खड़े थे वो इस गौतम परिवार की बेटी के गार्ड थे। शीला ने सोचा कामिनी उसके समय से काफी पहले आ गई थी। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शीला दीदी मुझे माफ करना, मैं थोड़ी जल्दी आ गई। आपने बाहर जो देखा वो इसलिए था क्योंकि हम लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, और आपने ही कहा था कि किसी को भी पता ना चले कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए हमारे सभी गार्ड्स ने कुछ साधारण कपड़े पहने थे। शीला ने कहा, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि अब कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर आई हो, है ना? अब हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है। कामिनी ने पूरी ईमानदारी से कहा, मेरे पिता और मेरे कुछ बॉडीगार्ड्स के अलावा कोई भी नहीं जानता कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। शीला ने कामिनी से पूछा, मुझे काफी जगहों से पता लगा है कि तुम्हारी उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए तुम्हें शेखावत परिवार के एक आदमी को ढूंढना है जो तुम्हारी मदद कर सके, क्या ये सही बात है? शीला ने ये नहीं बताया कि उसे ये किसी दूसरे उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने वाले कैंडिडेट से पता चला है। कामिनी ने धीरे से सर हिलाया और कहा, हाँ बस इतनी ही बात है, हम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं। कामिनी ने आगे पूछा, तो आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप मेरा साथ देना चाहेंगे? शीला ने कहा, मुझे और भी कैंडिडेट से पूछना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ। कामिनी को उम्मीद नहीं थी कि शीला इतनी आसानी से सब बातें कर लेगी। उसने धीरे से कहा, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। निराली और मनन दोनों सोच रहे थे कि बैठक बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। उन्होंने सोचा था कि ये मीटिंग कम से कम कुछ घंटों तक तो चलेगी ही। सब लोग उस कमरे में चुप थे, एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। शीला ने अचानक इमोशनल होकर कहा, मैंने लंबे समय से सुना था कि गौतम परिवार के लोग अच्छे हैं, पर आज तुमसे मिलकर मुझे उस बात पर थोड़ा विश्वास होने लगा है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से होस्ट की आवाज सुनाई देने लगी। वो जोर जोर से बोल रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने चैंपियन बॉक्सिंग जिम के ऊपर लगे होलोग्राफिक स्क्रीन पर दिख रहे फाइटर को आप लोग जानते हैं, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, किंग का पिल, किंग का पिल, किंग का पिल। शीला और बाकी लोगों ने आवाज सुनी तो उठकर कमरे के बाहर देखा। होस्ट अभी भी बोल ही रहा था, आज की रात जो मैच होने वाला है वो तैयब और हमारे आज के फाइटर किंग कपिल के बीच होने वाला है। और अगले ही पल वहां की होलोग्राफिक स्क्रीन पर वीडियो लाइव आने लगा। ईशान वार्म अप कर रहा था, उसने हाफ पैंट पहन रखी थी, उसका शरीर बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा था। मनन गुप्ता और निराली इस रूम में बैठे हुए ये सब देख रहे थे। तभी कामिनी की नजर उस वीडियो पर गई और वो जोर से बोली, क्या ये क्यूट लव है? इस समय निराली, मनन गुप्ता और शीला ने चुपचाप कामिनी की तरफ देखा और पूछा, क्यूट लव? ये ईशान को क्यूट लव क्यों कह रही है? मनन गुप्ता ने सोचा कि हो सकता है उसे कुछ गलत लगा हो, वो ऐसे ही बोल रही हो कि वो अच्छा दिख रहा है। फिर भी उसने कामिनी से पूछा, आप ये क्यूट लव किसको बुला रही है? कामिनी जो एक टक उस होलोग्राफिक स्क्रीन की तरफ देख रही थी जिस पर ईशान दिखाई दे रहा था, उसने उस तरफ इशारा किया और कहा, वो जो दिख रहा है वो है क्यूट लव, उसका नाम है क्यूट लव, उसका यूजर नेम है क्यूट लव, हम लोग आज सुबह ही मिले थे। मनन गुप्ता ने उस बड़ी स्क्रीन की तरफ देखा जहां पर ईशान दिखाई दे रहा था। मनन ने मन में सोचा कि ईशान इस तरह का स्क्रीन नेम रखेगा और इंटरनेट यूज करेगा, वो सोच भी नहीं सकता था। मनन सोचने लगा कि ईशान किस तरह का इंसान है। उसने ईशान के बारे में जितना जाना था, ईशान एक अच्छे आईक्यू वाला लड़का था जो बिल्कुल साफ दिल का था। वो धीरे धीरे अपनी सारी इच्छाएं त्याग रहा था। ईशान हमेशा लोगों की मदद करता था। ईशान एक मास्टर बन रहा था। अब अगर कोई उससे आकर कहता है कि ईशान ऑनलाइन डेटिंग ऐप चला रहा है और उसने उस पर अपना स्क्रीन नेम क्यूट लव रख रखा है, उसका तो विश्वास ही टूट गया था। मनन गुप्ता ने निराली की तरफ देखा। निराली को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। शीला भी यह सुनकर सदमे में चली गई थी।
उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कपिल कामिनी को डेट कर रहा है। शीला ने कामिनी से पूछा, क्या आपके घर पर पता है कि आप इस लड़के को डेट कर रही है? क्या कामिनी ईशान को फंसा देगी? क्या ईशान फाइट जीत जाएगा? क्या शीला जंग में कामिनी को सर्व करेगी? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कामिनी शीला की बात का कोई जवाब नहीं देती। शीला समझ जाती है कि कामिनी ने घर पर भी नहीं बताया है। मनन निराली खड़े खड़े कामिनी की बोली हुई बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो बस यही सोच रहे थे कि आखिर कामिनी ने अभी जो बताया वो सच है या गलत। मनन को तो ईशान पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ईशान मुझसे ये सब क्यों छुपा रहा था। कोई भी कामिनी की बोली गई बात पर भरोसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन शीला इकलौती ऐसी लड़की थी जो उसकी इस बात को मानने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जानती है कि आखिर एक लड़की के इमोशंस कैसे होते हैं। शीला कामिनी की आंखों में देखकर पहचान गई थी कि जिस तरह से वो ईशान को देख रही है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि कामिनी छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन शीला भी एक लड़की है और वो किसी भी लड़की के चेहरे को देखकर समझ सकती है कि वो क्या सोच रही है और उसकी भावना क्या है। शीला बचपन से ही उत्तराधिकारी की जंग के बारे में सुनते आ रही है। उसने बचपन से ही ये बात समझ ली थी कि इस जंग में बहुत सारे लोग होते हैं जो भाग लेते हैं। उसे बचपन में ही बता दिया गया था कि ये जंग कभी खत्म नहीं होती। एक पीढ़ी जाती है तो दूसरी पीढ़ी आकर के इस जंग को जारी रखती है। कहा जाता है कि गौतम परिवार की हर जंग कभी खत्म नहीं होगी। जैसे जैसे नए नए लोग आते जाते हैं, वैसे वैसे ही नए नए तरीके से ये जंग लड़ी जाती है। बड़े होने के बाद से ही शीला ने उत्तराधिकारी की जंग के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसे पता है कैसे जंग में शामिल लोग अलग अलग तरह से अपने अपोजिट प्लेयर को मौत के घाट उतारने के तरीके अपनाते हैं। अभी खड़ी खड़ी शीला यही सब सोच रही थी कि क्या पता इन डेटिंग एप्स पर आकर भी ये लोग कोई चाल चल के अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कामिनी इस डेटिंग ऐप पर इसीलिए हो ताकि वो कपिल जैसे लोग जो कि डेटिंग ऐप पर है उन्हें अपने जाल में फंसाकर खत्म कर सके। हालांकि शीला के दूसरे दिमाग में ये भी चल रहा था, नहीं इतना ज्यादा भी कोई आगे की नहीं सोच सकता। और शीला को हमेशा से यही लगता है कि कपिल उत्तराधिकारी का योद्धा हो सकता है। तभी मनन गुप्ता फिर से कहता है, क्या सच में तुम्हें इस नाम का आईडी पसंद आया और तुमने इस नाम वाले आईडी को डेटिंग के लिए बुला लिया? ये कितना फनी है। कामिनी को अच्छा नहीं लग रहा था एक आईडी पर सबका उसे इस तरह से जज करना। उसने मनन को कोई जवाब नहीं दिया। कामिनी ने बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देखते हुए शीला से अचानक से पूछा, मुझे लगता है कि इसका असली नाम कपिल है। शीला क्या तुम उसे जानती हो? हां मैं बिल्कुल जानती हूं, शीला ने जवाब दिया। वो चैंपियन बॉक्सिंग जिम का एक बॉक्सर है, हम उसका बॉक्सिंग मैच देखा करते हैं। शीला की यह बात सुनकर कामिनी ने उससे कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि वो एक बॉक्सर है। कामिनी की यह बात सुनकर मनन एकदम से चौंक जाता है। वो कामिनी से पूछता है, क्या उसने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वो एक बॉक्सर है? तो फिर उसने तुम्हें क्या बताया, क्या काम करता है वो? उसने मुझे कहा था कि उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, वो घूमता फिरता रहता है और वो एक कवि है। कामिनी की यह बात सुनकर मनन को पहले तो मन ही मन हंसी आई, लेकिन फिर वो सोचने लगा कि आखिर ईशान इस तरह का दिमाग कहां से लाता है, बेघर कवि। तभी पास खड़ी निराली मजाक करते हुए बोली, कामिनी दीदी क्या आप उनकी लिखी कोई कविता हमें पढ़कर सुना सकते हो क्या? उन्होंने आपको कभी अपनी कोई कविता पढ़ने के लिए दी है? हां हां क्यों नहीं, कामिनी ने निराली की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मुझे बहुत सी कविताएं दी है, जिसमें से एक कविता अभी भी मेरे मोबाइल में है, मैं तुम्हें सुनाती हूं। इतना बोलकर कामिनी अपनी जेब से मोबाइल निकालने ही वाली थी कि तभी अचानक से मनन के मोबाइल का एआई असिस्टेंट एक कविता सुनाने लग जाता है, जिस कविता की वजह से सभी मनन के मोबाइल की तरफ देखने लग जाते हैं। मनन हड़बड़ाहट में जेब से मोबाइल निकालता है
और उसे बंद कर देता है और फिर आंखें उठाकर सबकी तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी, कभी कभी मेरे मोबाइल में यह तकलीफ हो जाती है, हम जो बातें करते हैं वो सुनने लग जाता है और फिर उस हिसाब से कमांड लेकर काम करने लग जाता है, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी। तभी शीला कामिनी की तरफ देखती है और सब्जेक्ट बदलते हुए कहती है, क्या तुमको अजीब नहीं लगा जब तुम्हें पता चला कि कपिल तो एक बॉक्सर है? शीला की यह बात सुनकर कामिनी हंसने लगी और बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरे दोस्त का अच्छा दिखना ज्यादा जरूरी है, काम तो जो वो चाहे वो कर सकता है लेकिन उसका अच्छा दिखना मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। कामिनी की बात सुनकर शीला उसको जवाब देना चाह ही रही थी कि तभी अचानक से बॉक्सिंग रिंग के पास से दर्शकों की आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। सभी पलट कर वापस रिंग की तरफ देखने लगे। कामिनी ने उस फाइट की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो आज तक ऐसी बॉक्सिंग कभी भी नहीं देखी, क्या यहां रोज फाइट होती है? यहां कुछ रूल्स भी होते हैं क्या? ये सुनके शीला ने मनन और निराली को देखा और वो तीनों जोर से हंसने लगे। तभी मनन ने कहा, जब हमने ये पहली फाइट देखी तब से हम यहां रोज आते हैं, लगता है आप भी अब रोज आने लगोगे। शीला ने कामिनी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, इस बॉक्सिंग का रूल ये है कि इस बॉक्सिंग में कोई रूल नहीं है, यहां का फाइटर तब तक लड़ता है जब तक वो जिंदा है, यहां इस रिंग में अगर किसी की भी मौत हो जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं, हर फाइटर के अंदर जाने से पहले ही वो अपना मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका होता है। तभी कामिनी हैरान होकर शीला की तरफ देखती है और पूछती है, क्यों, कोई खेलता है क्या इस खेल को? शीला फिर अपना चेहरा वापस उस रिंग की तरफ घुमाती है और कहती है, जैसे वो जगह जो लोगों के सपने पूरे करती है, इस रिंग के आसपास बैठे उन दर्शकों की आंखों में देखो कामिनी, उनके अंदर कितना गुस्सा, कितना आक्रोश और कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा दिखाई देता है। ये इस दुनिया की सच्चाई है कामिनी, जहां हर कोई किसी ना किसी का खून करना चाहता है, यहां हर कोई किसी ना किसी को मौत के घाट उतारना चाहता है, यहां हर कोई किसी ना किसी की जान लेना चाहता है, लेकिन कानून की वजह से वो ये सब कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो यहां आ जाता है और यहां पर जब कोई विनर किसी लूजर को मार रहा होता है और उसे मौत के घाट उतार रहा होता है तो वहां बैठा हर आदमी अपने आप को विनर फाइटर की जगह पर देखने लगता है। वो समझता है कि वो खुद उसके दुश्मन को मौत के घाट उतार रहा है और इस तरह से यहां आकर के लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। कामिनी ये सब सुनकर डर जाती है। वहां रिंग के पास ईशान खड़ा रिंग को देख रहा था। तभी पीछे से टाइगर एक डॉक्टर को लेकर वहां पर पहुंचता है। ईशान डॉक्टर को देखकर टाइगर से पूछता है, डॉक्टर यहां पर किस लिए? ईशान के सवाल को सुनकर टाइगर जवाब देता है, यहां पर फाइट करने से पहले हर बार हर फाइटर का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पिछली बार तो तुम्हारे अचानक से आ जाने की वजह से यह प्रोसेस नहीं हो पाई थी, लेकिन अब यह प्रोसेस पूरी होगी। ईशान टाइगर की बात समझता है, आखिर टाइगर को भी कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। वो डॉक्टर की तरफ इशारा करता है और अपने पास बुलाता है। डॉक्टर ईशान के पास जाकर के अलग अलग मशीनों से उसका हार्ट रेट, उसकी पल्स, उसका बीपी सब नापने लगता है। ईशान की हार्ट रेट को देख करके डॉक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है। वहां खड़ा टाइगर डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, तुम एकदम चौंक क्यों गए? डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, टाइगर सर, मैंने आज तक कभी भी किसी फाइटर की इतनी नॉर्मल हार्ट बीट नहीं देखी है, मेरे पूरे करियर में यह पहली बार है जब कोई फाइटर फाइट करने जा रहा हो और उसकी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल आ रही हो। टाइगर डॉक्टर की पूरी बात समझ चुका था। वो ईशान की तरफ देख रहा था और ईशान उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था। ईशान ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन टाइगर जो कि सोच रहा था कि कपिल में कुछ अलग बात है, इसमें कुछ अलग शक्तियां हैं। तभी टाइगर डॉक्टर से कहता है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि इसकी हार्ट बीट इतनी नॉर्मल है, लेकिन ये बात हम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। डॉक्टर, अगर ये बात इस बॉक्सिंग जिम के बाहर किसी तक पहुंची तो याद रखना, टाइगर से बुरा कोई नहीं होगा। दरअसल टाइगर नहीं चाहता था
कि कोई भी इस बात को जाने कि ईशान की हार्ट बीट बहुत नॉर्मल है, क्योंकि लोग टाइगर पर इस बात का इल्जाम लगा सकते हैं कि उसने किसी शक्ति वाले को अपने रिंग में उतरने दिया और फाइटर्स को जीतने दिया। दरअसल लोगों के बीच में यह बात एक बड़ा मुद्दा बन सकती है जिससे टाइगर डर जाता है। तभी अचानक से रिंग में खड़ा एक अनाउंसर अनाउंसमेंट करना शुरू करता है, दोस्तों आज की फाइट का एक्साइटमेंट यह है कि मैं देख सकता हूं कि मंडे को भी ऑडियंस से पूरा का पूरा जिम भर चुका है। दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे नए फाइटर कपिल का, जिन्होंने पिछली फाइट में बादशाह पठान को नाको तले चने चबवा दिए थे। दोस्तों अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने वाला है आज का ये खतरनाक खेल। उधर अनाउंसमेंट शुरू होती है और इधर ईशान टाइगर की तरफ पलटकर पूछता है, वैसे टाइगर भाई मैं कितने फाइटर्स से लड़ सकता हूं? ईशान की यह बात सुनकर टाइगर थोड़ा सा चौंक जाता है और वो बोलता है, मैंने तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही फाइटर की व्यवस्था की थी, तुम कितने फाइटर्स से लड़ना चाहते हो? मैं तो ज्यादा से ज्यादा फाइटर्स से लड़ने का सोच रहा था, ईशान टाइगर को ऐसे जवाब देता है मानो उसके लिए यह कोई बहुत ही छोटी मोटी बात हो। लेकिन ईशान की यह बात सुनकर टाइगर हैरान हो जाता है। वो कहता है, देखो कपिल, कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है और ओवर कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है। इन दोनों के बीच में बहुत पतला सा धागे का अंतर होता है, उस धागे के इस तरफ कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास में रहे, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। टाइगर की यह बात सुनकर ईशान मुस्कुराया और उससे बोला, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं रिंग में जाने से पहले एक बात आपको बता दूं कि मैं ये ओवर कॉन्फिडेंट होकर के नहीं बोल रहा, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके ही बोल रहा हूं। व्यवस्था कीजिए और फाइटर्स की भी। बस इतना ही बोलकर ईशान वहां से रिंग में जाने के लिए चल निकला। जैसे ही ऑडियंस को ईशान बाहर आता दिखाई दिया, ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाने लगी, सीटी बजाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगे। लोग एकदम पागल हो चुके थे। पूरा का पूरा बॉक्सिंग जिम लोगों के शोर से भर चुका था। कहा जा सकता है कि चैंपियन जिम में आज तक कभी इतना शोर नहीं सुनाई दिया था। लोगों ने देखा कि ईशान सीधे सीधे जाकर रिंग के अंदर चला गया। लोग चाह रहे थे कि ईशान और उसके सामने वाले फाइटर्स में आपस में कुछ हॉट टॉक हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईशान चुपचाप अपने रिंग में जाकर के खड़ा हो गया और वार्म अप करने के लिए जंप करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो उसका अपोजिट फाइटर तैयब भी पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वो पूरे स्टाइल के साथ रिंग में आ पहुंचा और जंप करने लगा। क्या होगा आज बॉक्सिंग रिंग में? क्या ईशान का मकसद पूरा होगा? क्या कामिनी ईशान की सच्चाई जान पाएगी? क्या सोच रहे हैं मनन निराली और शीला कामिनी के बारे में? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। वैसे तो बहुत से बॉक्सिंग एरिना होते हैं, लेकिन यह बॉक्सिंग एरिना किसी साधारण दुनिया का बॉक्सिंग एरिना नहीं, बल्कि एक मशीनी दुनिया का बॉक्सिंग एरिना है। जो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत आगे जा चुकी है, जो दुनिया हम लोगों से हर फील्ड में बहुत तरक्की कर चुकी है। रेफरी ने इशारा करके ईशान को डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए सेंटर में बुलाया। फिर जैसे ही वो दोनों फाइटर्स उस बॉक्सिंग रिंग के एकदम बीचों बीच पहुंचे, वैसे ही हवा में से उड़ता हुआ एक लोहे का पिंजरा आसमान से नीचे की तरफ उतरने लगा। वो पिंजरा बहुत तेज चमक रहा था। उस पिंजरे को देख करके कोई भी ये साफ कह सकता था कि ये बॉक्सिंग केज कोई साधारण बॉक्सिंग मैच नहीं, बल्कि एक लोहे के केज में होने वाली बॉक्सिंग फाइट है। आसमान से उड़ता हुआ नीचे आता हुआ वो काला लोहे का पिंजरा नीचे उतर करके पूरे बॉक्सिंग रिंग को घेर लेता है। उसमें छोटा सा दरवाजा है। वो रेफरी ईशान और तैयब के हाथ से हाथ टकराकर बोलता है, तुम दोनों को रूल्स तो पता ही होंगे। इस बॉक्सिंग मैच में कोई भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो सामने वाले को खत्म नहीं कर देता। कोई भी रूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मैच में कोई रूल नहीं है।
जो जिंदा बचेगा वही टेस्ट मैच का विजेता होगा। क्या तुम दोनों को ये सारी बातें क्लियर है? रेफरी की बात सुनकर ईशान, जो अभी भी वार्म अप के लिए जंप कर रहा था, कहता है, जी हाँ क्लियर है। फिर उसके बाद में तैयब ने भी जवाब दिया, हाँ क्लियर है। रेफरी सीटी बजा करके उस केज के दरवाजे से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर उस केज का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। फिर रेफरी ईशान और तैयब की तरफ देखता है और कहता है, फाइट। उस रेफरी का बस इतना ही कहना था कि तैयब पहले से ही तैयार था कि वो ईशान को सबसे पहले जोर से पंच मारना चाहता है। रेफरी के इशारा करते ही तैयब फाइटर ने ईशान के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारने के लिए अपने हाथों को घुमाया, लेकिन ईशान बहुत चालाक था। उसका हाथ अपने पास आते ही वो एकदम से बिजली की तेजी से एक कदम पीछे हटा, जिसकी वजह से उसका मुक्का हवा में ही रह गया। ईशान ने नहीं सोचा था कि तैयब इतनी जल्दी उस पर हमला कर देगा। वो तो सोच रहा था कि शायद वो पहले दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे और फिर उसके बाद फाइट शुरू होगी, लेकिन तैयब ने ऐसा कुछ नहीं करा और सीधे उस पर हमला बोल दिया। ईशान को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो एक फ्रेंडली मैच चाहता था, लेकिन तैयब तो बहुत ही ज्यादा जल्दी में है। जैसे ही उसका मुक्का हवा में ईशान के पास से गुजरा, वैसे ही ईशान ने अपने लेफ्ट हैंड को आगे करके उसके उस पंच वाले हाथ को पकड़ करके उसे जोर से घुमा दिया। जैसे ही उसने उसका हाथ घुमाया, वो फाइटर पूरी तरह से उल्टा हो गया और ईशान ने उसका हाथ कस के घुमाकर पकड़ करके रखा और उसे भींच करते अपने आप से सटा लिया। जैसे ही वो फाइटर ईशान से टिका, वैसे ही उसने अपनी लेफ्ट हैंड की कोहनी से ईशान के मुंह पर मारा। जैसे ही ईशान के मुंह पर लगी, वैसे ही ईशान के नाक में से खून बहने लगा। नाक पर लगते ही ईशान ने तैयब को छोड़ा और उससे दूर हो गया और अपनी नाक से बह रहे खून को उसने साफ किया। अब ईशान की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह फाइटर कोई ऐरा गैरा फाइटर नहीं है, लेकिन बहुत ही ताकतवर है और उसकी ताकत से भी ज्यादा उसके इंटेंशन बहुत ज्यादा क्लियर थे कि वो सिर्फ और सिर्फ ईशान को किसी भी तरह से मार देना चाहता था। और ईशान थोड़ा अवेयर होकर के लड़ने की सोच रहा था। उसने ये सोच लिया था कि फाइटर को हराना तो है, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ समझदारी के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हराना होगा। ईशान अब सोच लेता है कि उसे इस फाइटर को हराने के लिए पहले उसे अच्छे से थकाना होगा, इसलिए ईशान पूरे केज में अब उछलता कूदता एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगा। वहां फाइटर ईशान का पीछा कर रहा था, कभी ईशान बाएं जा रहा था तो कभी दाएं। तैयब उसके पीछे भागता रहा, लेकिन वो ईशान को पकड़ नहीं पा रहा था। ईशान बस चाहता था कि किसी भी तरह से जल्द ये फाइटर थक जाए, ताकि उसके पंच की जो पावर है, जो उसने अभी अभी अपनी नाक पर महसूस की है, वो ठंडी पड़ जाए। लगभग 2-3 मिनट तक ऐसा करने के बाद ईशान ने उस फाइटर की शक्ल पर देखा कि अब उसकी सांसें चढ़ने लगी थी। ईशान समझ गया कि उसका प्लान सक्सेस हो गया है। वो फाइटर मात्र 2 मिनट में ही थक चुका है। ईशान अब सीधे उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। वो फाइटर चौंक जाता है क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि ईशान उसके सामने आकर के ही खड़ा हो जाएगा। जैसे ही ईशान उसके सामने आकर खड़ा हुआ, तैयब ने फिर से अपना वही राइट हाथ से पंच घुमाया, लेकिन ईशान समझ चुका था कि अब उसके पंच में वो बात नहीं है। ईशान अपना सर नीचे झुका लेता है और वो पंच हवा में ही ईशान के ऊपर से निकल जाता है। जैसे ही उसका पंच निकलता है, वैसे ही ईशान खड़ा होकर के अपने पैर को उठा करके एक जोरदार लात उसके पेट पर मारता है। ईशान की वो जोरदार लात खाते ही तैयब एकदम से बिना रुके पीछे गया और जा करके केज से टकराया, और जैसे वो लोहे के केज से टकराया, उसे बहुत बुरी चोट लगी। तैयब गुस्से में ईशान के सामने गया और ईशान के पेट में घूसा मारा। ईशान ने तैयब को गर्दन से पकड़कर उठा करके नीचे गिरा दिया। ईशान ने यह सब इतना तेज किया कि वो फाइटर कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन वहां बैठी ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजा रही थी। जोर जोर से कपिल का नाम, किंग कपिल, किंग कपिल,
किंग कपिल चिल्ला रही थी। उन्हें ईशान की फाइट देख करके बहुत मजा आ रहा था। उन्हें लग रहा था मानो ये लड़का आज इसकी होने वाली हर फाइट में जीत जाएगा। वहां तैयब बेहोशी की हालत में ही वहीं पड़ा रहता है। इतनी देर में बाहर खड़ा रेफरी, जो कि अभी भी केज के बाहर था, वहां काउंटडाउन बोलना शुरू करता है। 1, 2, 3। वो फाइटर उठने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उठने की कोशिश करता है वैसे ही वापस गिर जाता है। लेकिन रेफरी अभी भी अपना काम जारी रखता है। 4, 5, 6, 7। 7 तक गिनती होने के बाद वो फाइटर जैसे तैसे करके उठ करके वापस खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो फाइटर खड़ा होता है वैसे ही वो देखता है उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता है। वो ईशान को जिस तरह से देख रहा था, ईशान उसके देखने के तरीके से ही समझ जाता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो सिर्फ हवा में ही हाथ मार रहा होता है। उस फाइटर को ऐसा देख ईशान को थोड़ी सी दया आ जाती है। वो कुछ नहीं करता, वो बस उसके पास जाता है और जोर से उसके सीने पर एक मुक्का मारता है। जैसे ही उसके सीने पर मुक्का लगता है वो फिर से पीछे जाकर के केज से टकराता है और तैयब वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। ऑडियंस में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। कुछ ऑडियंस ईशान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है, इसे खत्म कर दो, मार दो इसे। लेकिन ईशान उसके बेहोश होने के बाद उसे हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन इस फाइट का रूल है कि जैसे ही कोई फाइटर किसी को हराता है तो वो तब तक नहीं जीतता है जब तक वो केज के बाहर नहीं आ जाता। लेकिन ईशान ऐसा नहीं करता, वो अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। वहां ऊपर बने वीआईपी चैंबर में देखता है, जहां उसे टाइगर खड़ा हुआ दिखाई देता है। टाइगर ईशान को देखकर ही समझ जाता है कि फाइट के पहले कपिल ने सवाल पूछा था कि आज मैं कितनी फाइट लड़ सकता हूं। इसका मतलब ईशान अभी और भी फाइट लड़ना चाहता है, इसलिए केज से बाहर नहीं आता। उसे अभी भी रिंग में खड़ा देख वहां के ऑडियंस बहुत हैरान हो जाती है। ना तो वो तैयब फाइटर को मौत के घाट उतार रहा है और ना ही वो दरवाजा खोल करके बाहर आ रहा है। उन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ईशान करना क्या चाहता है। तभी उस कमरे में बैठा टाइगर वॉकी टॉकी के थ्रू उस रेफरी को इंस्ट्रक्शन देता है और वो कहता है, रेफरी उस बेहोश तैयब को केज से बाहर निकाल दो, ये कपिल टाइगर वेट फाइटर अभी और फाइट्स लड़ेगा। बाकी फाइटर से कहो कि वो लोग वार्म अप करके तैयार रहे, क्योंकि अब एक एक करके उन सभी को इस फाइटर के एवज में इस कपिल से मुकाबले में उतरना होगा। वैसे तो ईशान कभी भी किसी से ना लड़े, लेकिन अब मजबूरी ही ऐसी आ गई है कि उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि उसे एक से ज्यादा फाइट लड़नी पड़ेगी ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके और उन पैसों से वो अपने ऊपर आया टैक्स और लोन को उतार सके। तभी वहां उस केज के बाहर व्हीलचेयर पर बैठे बादशाह पठान मंद मंद मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे ये देखकर खुशी होती है कि उसने ईशान के साथ में एक अच्छा मुकाबला किया था। जिस तरह से उसने तैयब को 3-5 मिनट के भीतर ही खत्म कर दिया था, उस हिसाब से तो बादशाह पठान ने उससे बहुत अच्छी फाइट लड़ी थी। लेकिन बादशाह पठान ये भी सोच रहा था कि एक नया फाइटर जिसने बहुत ही मुश्किल से 3-4 फाइट्स लड़ी होंगी, वो फाइटर एक इतने एक्सपीरियंस्ड फाइटर को इतनी जल्दी 3-5 मिनट में कैसे हरा सकता है। तभी वहां ऑडियंस में मौजूद बहुत से लोग जिन्होंने तैयब पर अपना पैसा लगाया था वो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, गुस्सा कर रहे थे। अपने पैसे गंवाने की वजह से बाहर लोगों को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। वहां पर उन लोगों से लड़ने लगे थे जो ईशान को सपोर्ट कर रहे थे। पूरे बॉक्सिंग क्लब में अफरा तफरी मच गई थी, कुछ लोग आपस में लड़ने लगे थे। ऐसी सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत सारे गार्ड्स को अंदर बुलाना पड़ा था। काले कपड़ों में गार्ड्स अंदर आए और उन लोगों को खींच खींच करके झुंड में से बाहर निकालने लगे। तभी रूम में बैठे देख रहे मनन, निराली
कामिनी और शीला आपस में बातें करने लगे। निराली जोर से बोली, आखिर ये कपिल फाइट पूरी करने के बाद भी रिंग से बाहर क्यों नहीं निकल रहा? दरअसल निराली ने जो सवाल किया था वही सवाल सबके मन में भी था, इसीलिए मनन ने निराली की तरफ देख करके कहा, हां मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी शीला उन दोनों से बोली, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, सब समझ आ जाएगा। शीला का इतना ही कहना था कि तभी एंकर केज का दरवाजा खोल करके अंदर गया और चारों तरफ घूम करके लोगों से कहने लगा, दोस्तों आज का यह दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे टाइगर वेट फाइटर कपिल आज सिर्फ ये एक फाइट नहीं लड़ने वाले थे। दोस्तों कपिल ने आज चैलेंज किया है सारे ही टाइगर वेट फाइटर्स को, इसलिए अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्तों। अभी नए चार फाइटर से फाइट बाकी है। बस उस एंकर का इतना कहना था कि तालियों की गड़गड़ाहट से और चीखों से पूरा रिंग गूंज उठा और सभी एक तरह से इस बात को सुनकर झूम रहे थे कि ईशान सच में इतने सारी फाइट्स लड़ने वाला है। ईशान बाकी चार फाइट भी जीत जाएगा। क्या ईशान सारी फाइट्स जीत पाएगा? क्या कामिनी ईशान से बात बंद कर देगी? क्या ईशान इस फाइट में मारा जाएगा? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ईशान अभी और भी फाइट्स लड़ने वाला है, ये बात सुनते ही वहां पर मौजूद सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी इस तरह से नहीं सुना था कि एक फाइटर एक ही दिन में बहुत सारे टाइगर वेट फाइटर्स के साथ में फाइट कर रहा हो। यह एकदम नया था, क्योंकि टाइगर वेट वाला फाइटर एक ही फाइट में हालात खराब कर देता है। टाइगर वेट फाइट में अमूमन एक फाइटर सिर्फ एक ही फाइट लड़ पाता है, लेकिन ईशान अलग ही मिट्टी का बना हुआ है, इसीलिए उसने दूसरे फाइटर्स को भी चैलेंज कर दिया है। ऑडियंस में बैठे बहुत से लोगों को यही लग रहा था कि ईशान पागल हो चुका है और वो गलत डिसीजन ले रहा है, लेकिन जिस तरह से उसने पहले फाइटर को महज 5 मिनट में ही रिंग में हरा दिया था, उस हिसाब से कुछ ऑडियंस को यह भी लग रहा था कि ईशान अभी और फाइट्स लड़ सकता है, और वहीं कुछ ऑडियंस तो यही सोच रही थी कि इतनी जल्दी फाइट खत्म होने की वजह से इन्हें ज्यादा मजा नहीं आया, इसीलिए जब ईशान और भी फाइटर्स के साथ लड़ाई करेगा तो उन्हें और मजा आएगा। अभी महज 10 मिनट हुए थे कि एंकर ने ईशान की और फाइट्स के बारे में अनाउंस किया था कि अचानक से उस बॉक्सिंग जिम में आज कुछ अजीब सा हो गया। ईशान की इतनी सारी फाइट से एक साथ लड़ने की न्यूज पूरे शहर में एकदम आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने मोबाइल निकाल करके अपने दोस्तों को मैसेज करना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत अभी यहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। मानो पूरा के पूरा शहर उठकर फाइट देखने के लिए बॉक्सिंग जिम में आ रहा हो। इतनी सारी भीड़ आ जाने की वजह से टाइगर, जो कि चैंपियन जिम का ओनर है, बहुत ज्यादा हैरान होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने सारे लोगों को वो सुविधाएं कैसे दे पाएगा। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं उसके जिम का कोई नुकसान ना हो जाए। शहर के और जितने भी बॉक्सिंग जिम थे, उन बॉक्सिंग जिम में भी ईशान की फाइट की बात पूरी तरह से पहुंच चुकी थी। इसी वजह से बहुत सारे फाइटर्स भी वहां पर फाइट देखने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसे ही वहां के एक बॉक्सिंग जिम में एक आदमी दौड़ता हुआ पहुंचता है और उस जिम के ओनर के पास जाकर के उससे कहता है, बॉस बॉस आपने सुना, वहां चैंपियन जिम में आज एक टाइगर वेट फाइटर ने दूसरे टाइगर वेट फाइटर्स को चैलेंज दिया है। उसकी ये बात सुनकर वो ओनर कहता है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो लड़का जो अभी दौड़ करके आया था वो हांफता रहता है, नहीं नहीं बॉस, मतलब मेरा मतलब है कि मैं कहना चाह रहा था कि वो सिर्फ एक फाइटर को चैलेंज नहीं दे रहा है, उसने सभी टाइगर वेट फाइटर्स को चैलेंज दे दिया है। क्या? उसकी ये बात सुनकर वो जिम का मालिक हैरान हो जाता है। क्या बात कर रहे हो, क्या सच में बहुत सारे फाइटर्स के साथ में फाइट करने वाला है, वो भी एक साथ? हाँ बॉस, पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल चुकी है। लड़का उसके बॉस को विश्वास दिलाने के लिए और भी तेजी से कहता है,
लेकिन अभी भी उस जिम के मालिक को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। क्या तुम कोई देसी शराब पीकर आए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो लीगल भी नहीं है। कौन है ये बेवकूफ फाइटर? मारा जाएगा आज बेमौत। अरे मैं सच कह रहा हूं बॉस, वो लड़का आवाज ऊंची करके बोलता है। सभी के सभी ऑडियंस चैंपियन बॉक्सिंग जिम में जा रहे हैं। उस फाइटर ने एक फाइटर को तो हरा दिया है और अब उसकी दूसरी फाइट कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। पूरा बॉक्सिंग जिम लोगों से भर चुका है बॉस। मैंने सुना है कि उसने पहले फाइटर को बस 5 मिनट में ही हरा दिया है। अच्छा, उस जिम के मालिक को अभी भी उस लड़के की बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो उससे पूछता है, कौन सा फाइटर था? पहले फाइटर का नाम क्या था? वो लड़का उसे जवाब देता है, तैयब। बॉस, उसने तैयब को महज 5 मिनट में हरा दिया। तैयब का नाम सुनते ही वो जिम का मालिक हैरान हुआ, लेकिन वो उस लड़के को अपनी हैरानी दिखाना नहीं चाहता था और उससे कहता है, हाँ तो क्या हुआ, तैयब क्या कभी हार नहीं सकता? ठीक है, वो अच्छा फाइटर होगा इसलिए उसने 5 मिनट में हरा दिया। तैयब पहले भी बहुत सारी फाइट हार चुका है। वो लड़का उस जिम के मालिक से परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर के कहता है, बॉस आप समझ ही नहीं रहे हो, मैंने सुना है कि उस लड़के ने इतनी फुर्ती से फाइट लड़ी कि तैयब उसे एक पंच तक नहीं मार पाया। अब वो जिम का मालिक थोड़ा सा गंभीर हो चुका था। उसने फिर उस लड़के से पूछा, क्या नाम है उस फाइटर का जिसने तैयब को हराया? बॉस, उसका नाम है कपिल, और आप विश्वास नहीं करोगे, वो अभी न्यूकमर है, उस लड़के ने उससे साफ साफ कहा। कपिल का नाम सुनते ही उस जिम मालिक को कुछ याद आया। उसने उस लड़के से पूछा, क्या ये वही लड़का तो नहीं जिसने पिछली दफा बादशाह पठान को पटखनी दी थी? वो लड़का मुस्कुराया और बोला, हाँ बॉस, ये वही लड़का है, बिल्कुल वही लड़का है। वो जिम का मालिक अब सोच में डूब जाता है। अच्छा ठीक है, फिर तो हो सकता है कि शायद वो टैलेंटेड हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर टाइगर इतने टैलेंटेड लड़के को कहां से ढूंढ करके लाया है। दरअसल शहर में जितने भी बॉक्सिंग जिम हैं, उन सभी ने अपने अपने फाइटर्स के साथ में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लगभग 2 से 5 साल के बीच में कोई भी फाइटर उनका जिम छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए हर जिम वहां पर अब अच्छे अच्छे फाइटर्स की हमेशा तलाश में रहता है, ताकि इन फाइटर्स को देखकर उनके पास में ऑडियंस आएगी और उतना ज्यादा उनका फायदा होगा। वो लड़का उस जिम के मालिक से कहता है, बॉस मेरा एक भाई है जो कि चैंपियन जिम में वेटर की नौकरी करता है, उसने मुझे बताया था कि शायद कपिल टाइगर का छोटा भाई है, क्योंकि टाइगर ने उसे उसके पर्सनल और प्राइवेट VIP रूम में जाने की परमिशन दी है। जिम का मालिक भी हां में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ जरूर, उसका टाइगर से कुछ ना कुछ संबंध तो होगा, नहीं तो इतनी ज्यादा सहूलियत तो टाइगर कभी किसी भी मामूली आदमी को ना दे। बॉस, अब हम क्या करेंगे? लड़के ने उसके बॉस से चिंता जाहिर की। उस जिम मालिक ने थोड़ी देर सोचा और उससे पूछा, अगला फाइटर कौन है जो कपिल से फाइट करने वाला है? वो लड़का उसकी बात का जवाब देता है, जी धर्म। धर्म का नाम सुनकर वो जिम का मालिक थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है, अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि टाइगर के पास में इतने सारे टाइगर वेट फाइटर्स तो है नहीं, इसीलिए वो जरूर बाहर के फाइटर्स को भी अपने यहाँ फाइट करने की परमिशन देगा और वो फाइटर्स वहां फाइट लड़ेंगे भी। हालांकि इस जिम का मालिक समझ चुका था कि टाइगर ने अपने जिम में ऑडियंस को बुलाने के लिए इस लड़के का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, जिम का मालिक अभी बहुत ज्यादा चिंता में था। वो यही सोच रहा है कि अगर टाइगर इसी तरह से काम करता रहा तो उनके जिम में ऑडियंस आना तो बिल्कुल बंद हो जाएगी। वो जिम का मालिक अभी बस यही सोच रहा था कि आखिर कपिल और टाइगर का ऐसा क्या रिश्ता है जो टाइगर ने उसके लिए सारे नियम तोड़ दिए। चैंपियन जिम में रूम में बैठी शीला ये सब कुछ देख करके अचानक से तेजी से बोल पड़ती है, क्रेजी। शीला खुद भी ये पहली बार देख रही थी कि एक फाइटर इतने सारे फाइटर्स के साथ में एक साथ लड़ाई करने के लिए तैयार था। वो अभी भी केज की तरफ ही देख रही थी
जिसके अंदर ईशान अभी भी इधर से उधर घूम रहा था। शीला ने अपनी नजरें घुमा करके उस कमरे में बैठे निराली, मनन और कामिनी की तरफ देखा, जो कि अभी भी उस कांच के सामने चिपके बैठे थे जहां से वो फाइट साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो उस बॉक्सिंग रिंग को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे। शीला उन तीनों की तरफ देख करके कहती है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। शीला की बात सुनकर कामिनी शीला की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सोचो शीला, ये लड़का कितना अच्छा है, वो एक पोएट भी है और साथ ही शायद एक बॉक्सर भी है, और वो भी ऐसा बॉक्सर जो कि इस लोहे के केज में लड़ रहा है, मतलब ये लड़का ऑलराउंडर है। शीला उसकी ये बात सुनकर एकदम से चौंक जाती है और उससे कहती है, क्या तुम सच में किसी एक ऐसे लफंगे फाइटर को अपना पार्टनर बनाना चाहती हो। शीला की ये बात सुनकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगती है और वो शीला से कहती है, शीला तुम भी ना कुछ भी मजाक करती हो, मैं इससे कोई शादी नहीं कर रही हूं, अभी ये तो मेरा अच्छा दोस्त है, तुम भी हमारी शादी के बारे में कुछ मत सोचो, अभी तो हम सिर्फ मिले ही है। कामिनी आगे शीला से सवाल करती है, अच्छा वैसे शीला, मैंने सुना है कि तुम इतनी टफ इसलिए बनी हो क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहती हो। कामिनी के इस बात पर शीला कहती है, हाँ मेरा अभी तक शादी का कोई प्लान नहीं। कामिनी शीला के हाथ पर हाथ रखकर कहती है, अच्छा तो फिर यार तुम मुझे भी सिखा दो कि ऐसे कैसे रह सकते हैं, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर मनन अचानक से पलटा और शीला और कामिनी से बोला, मैं जरा नीचे कैंटीन से होकर आता हूं, तब तक आप दोनों आपस में बात कीजिए। ये बोलकर मनन उस कमरे से निकल गया। शीला के लिए ये अजीब बात थी क्योंकि मनन कभी भी इस तरह अचानक से कहीं नहीं जाता। धर्म पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार हो चुका था। होस्ट रिंग के बीच में जा करके धर्म का नाम पुकार चुका था। धर्म के रिंग में जाने से पहले उसका कोच उसे समझा चुका था कि उसे ईशान से दूरी बनाए रखनी है। धर्म समझ चुका था कि ईशान उसे भी थकाने की कोशिश करेगा। उसे सब कुछ समझा चुका था कि किस तरह से फाइट करनी है। अपने कोच से सारे इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद धर्म कमरे से निकल करके ऑडियंस के बीच में पहुंच गया। उसके आते ही ऑडियंस जोर शोर से तालियां बजाने लगे और धर्म के नाम के नारे लगाने लगे। धर्म बिना इधर उधर देखे वो सीधे गया और उसने उस लोहे के केज का दरवाजा खोला और नीचे झुककर अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही बाहर से रेफरी ने उस केज का दरवाजा बंद कर दिया। ईशान जो कि पहले से ही तैयार था और वार्म अप के लिए जंप करते हुए धर्म की तरफ देख रहा है। धर्म आगे जाता है और उसके ठीक सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। अब ईशान उसकी आंखों में देख रहा है और धर्म भी ईशान की आंखों में देख रहा है। इतने में इस केज से बाहर खड़े रेफरी ने उन दोनों से कहा, अब आप दोनों एक दूसरे से हाथ टकरा करके पीछे हट जाइए और मेरे 1-2-3 काउंट के बाद ही आप लोग फाइट शुरू कर दीजिएगा। रेफरी के ये कहते ही ईशान और धर्म एक दूसरे के पास आए। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ टकराए और दोनों फाइटिंग पोजीशन में थोड़ा सा पीछे जा करके खड़े हो गए। तभी रेफरी ने बाहर से आवाज लगाई, फाइट। क्या ईशान अपनी दूसरी फाइट भी जीत जाएगा? क्या कामिनी ईशान से शादी कर लेगी? क्या मनन ईशान के पास जा रहा है? आखिर क्या होगा इस रोमांचक कहानी का अगला ट्विस्ट? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।